हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिरोमणि इंस्टीट्यूट। जीके की सीरीज में जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं, जो आज का हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। ओके, ये आपका जो पार्ट है ये स्टैटिक जीके का हम बोल सकते हैं। स्टैटिक जीके वो जीके होती है जिनमें आपके मिसेलनियस आपके टॉपिक्स होते हैं, लाइक जैसे आपका हो गया बुक्स एंड ऑथर, यंग डिफरेंस ऑफ एनिमल्स एंड आपका इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा। ये जो टॉपिक्स होते हैं ये मैं आप सभी को यही एडवाइस दूंगा कि आप डेली इनको 5 या 10, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप उतने ही इनको लर्न करें। जैसे जब हम कोई ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक फुल टू फुल स्टडी करते हैं इन विद डिटेल, तो उसमें आपके लिए ये सही रहता है कि आप उनको पर डे ही उसी दिन ख़त्म कर लें, पूरा फिनिश कर लें। बट जो आपका स्टैटिक जीके के टॉपिक होते हैं ये आपको एक दिन में, मैं एडवाइस यही करूँगा आपको कि आप एक दिन में इनको पूरा लर्न ना करें। ओके, तो आप कैसे करेंगे इनको लर्न? देखिए, सपोज कीजिए आपके इसमें आई थिंक 40 से लेके 30, ठीक है, 40 to 30 आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, इन्वेंशंस होंगे एंड उनकी डिस्कवरीज होगी। तो हम कैसे लर्न करेंगे इनको? आप सभी डेली आप एक टारगेट बना लीजिए कि डेली आपको 6 या फिर 7 आपको डेली लर्न करने। अगर आप में किसी स्टूडेंट्स में इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको 7 भी लर्न नहीं हो रहे हैं, तो आप सिर्फ ओनली 5 तो आप लर्न इजिली कर सकते हैं, राइट? तो ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि एग्जाम्स में आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज से आपका हर एग्जाम्स में जितनी भी बार अभी तक आपके एग्जाम्स हुए हैं 1 से लेके 2 क्वेश्चंस आपके हमेशा होते हैं, ठीक है? तो इससे हम काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इस टॉपिक में सिर्फ वही इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज डाली है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम 1 by 1 इनको करेंगे और आप डेली, मतलब आज से ही जिस दिन आप ये क्लास देख रहे हैं उसी दिन से आप ओनली 5 लर्न करेंगे स्टार्टिंग की, देन उसके बाद 5 5 5। ओके, देन आपके विद इन 10 डेज के अंदर आपको ये सभी अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी हेडिंग डाल लेंगे इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। जो सबसे फर्स्ट है वो है रेडियो। ओके, तो रेडियो का इन्वेंशन किसने किया? रेडियो का इन्वेंशन किया है गुग्लियमो मार्कोनी ने। ओके, किसने? गुग्लियमो मार्कोनी। अब देखिए ये मैक्रोनी नहीं है, ये मार्कोनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को लर्न करने के मैं ट्रिक भी साथ साथ बताता जाऊंगा कि जैसे देखिए अगर आपको ये फुल नेम लर्न ना हो तो आपको कोई भी इतनी ज़्यादा नीड नहीं है कि आपको फुल नेम लर्न करने हैं, क्योंकि आपका कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है ये, राइट? ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको टिक लगाने हैं, राइट? आपके पास में क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। तो जैसे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, आपको जब दिख जाए मैक्रोनी, मतलब जिसे मैं मार्क, वैसे तो मार्कोनी है बट आई थिंक आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फेवरेट हो सकता है शायद मैक्रोनी, है ना, नूडल्स, मैक्रोनी, जो भी आप खाते हो। तो रेडियो का किसने इन्वेंशन किया? मैक्रोनी ने। ओके, सॉरी, मार्कोनी, नॉट मैक्रोनी। ओके, तो देखिए ये है आपकी रेडियो की पिक। अच्छा, आई थिंक जो आप वाली जनरेशन है, क्या इन्होंने देखा आप लोगों ने रेडियो कभी? ये देखा आप लोगों ने रेडियो? ठीक है, ये जो रेडियो है ये अभी तो जैसे हम लोग सभी की जगह जो आपकी प्लेस है वो आपके सेलफोन ने ले ली है, राइट? जैसे अब आपके पीसी, कंप्यूटर, आपके कैमरा, आपके सेलफोन, जो भी चीज़ें हैं, मतलब रेडियो, सब कुछ आपके फ़ोन के अंदर इंक्लूड है। बट आज से आप कह सकते हैं 15 और 20 ईयर्स, ठीक है, बिफोर 15 और 20 ईयर्स पहले आपके यूज हुआ करते थे रेडियो। ओके, यहाँ पे इनके एंटीना होता है, इसमें कैसेट्स भी डलते हैं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, काफ़ी सारे इनमें चैनल्स। पहले के समय पता है आपको लोग जो भी थे वो सभी जो न्यूज़ होती थी वो मोस्टली आपकी रेडियो से ही सुनते थे। ओके, जैसे अगर क्रिकेट मैच भी देखना है तो उसकी कमेंट्री सुनना रेडियो पे, एक रेडियो होता और काफ़ी सारे लोग ग्रुप में जमा हो जाते। तो ये है रेडियो आपका, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये होता है ट्रांजिस्टर आपका। ओके, आपको पिक में नज़र आ रहा होगा। ट्रांजिस्टर की जो इन्वेंशन किया है वो है विलियम शॉकले, जॉन बर्डिन एंड वॉटर ब्रेटिन। ठीक है, ये आपके 3 नेम्स हैं, विलियम शॉकले, जॉन बर्डिन एंड वॉटर ब्रेटिन। सो ये है ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका टेलीफोन। आप सबको पता है टेलीफोन, है ना? अच्छा, ये तो आप सभी ने देखा होगा, आई होप, है ना, सबने देखा है। इसलिए आप नंबर डायल करते हो, देन आपका वो होता है। ये इसका जो इन्वेंशन किया है टेलीफोन का, वो किया है अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। क्या नाम है इनका? अलेक्जेंडर ग्राम बेल। ओके, सो टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय द अलेक्जेंडर ग्राम बेल। नेक्स्ट वन इज द एलिवेटर। एलिवेटर या फिर आप इसे लिफ्ट भी कह सकते हैं, ठीक है,
एलिवेटर के साथ हम इसे क्या कह सकते हैं, लिफ्ट। एलिवेटर क्या होती है, एलिवेट का मतलब वैसे होता है किसी चीज को अप्राइज करना, किसी चीज को क्या करना, अप्राइज करना। लाइक आप लोग मॉल गए होंगे या फिर मेट्रो स्टेशन पे आपने स्टेयर्स देखे होंगे, इलेक्ट्रिक स्टेयर्स, राइट। इलेक्ट्रिक स्टेयर्स को ही हम एलिवेटर कहते हैं, है ना। या फिर आप लिफ्ट, लिफ्ट तो आप सभी ने यूज की होगी, जैसे कि आपको पिक में दिखाई दे रही है, ठीक है, पिक्चर के अंदर, तो ये लिफ्ट होती है। जो एलिवेटर है, जो लिफ्ट है, जो किसी ह्यूमन बीइंग को अपवर्ड ले जाए, उसे जो इन्वेंशन किया था वो क्या था, एलिशा ओटिस। क्या नाम है इनका, एलिशा ओटिस। ओके चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। ओके क्या होता है ये टेलीग्राफ, इसका जो इन्वेंशन किया वो किया सैमुअल एफ बी मोर्से ने, ठीक है, सैमुअल एफ बी मोर्से। देखिए टेलीग्राफ अभी हम लोग सभी सोशल साइट्स यूज करते हैं, राइट, जैसे लाइक आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड फेसबुक एंड अदर सोन, जो भी आपकी सोशल साइट्स है, इन्हीं के थ्रू हम मैसेज, वॉइस चैट, जो भी आप करते हैं, पिक्चर शेयर, वीडियो शेयर, इन्हीं के थ्रू करते हैं। बट मैं फिर बताता हूँ, जब ये आपके सोशल साइट्स या फिर सोशल प्लेटफॉर्म जब आपके नहीं थे, तो उस समय यूज किए जाते थे आपके टेलीग्राम, ठीक है। वैसे टेलीग्राम आई नो अभी एक आपका सोशल साइट भी है आई थिंक, है ना, टेलीग्राम। बट ये हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी टेलीग्राफ की। ओके टेलीग्राफ में क्या होता है, लाइक जैसे आप सबको पता है पहले के समय जब हम काफ़ी दूर रहते थे, या फिर जिन लोगों के अंदर बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब गैप था, जो अलग स्टेट अलग कंट्रीज में रहते थे, तो उनको हम लेटर सेंड किया करते थे। क्या सेंड करते थे, लेटर। ओके तो आप सबको पता है पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस में हम लेटर सेंड करते हैं। बट सेम ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का मतलब होता है आप यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और वो उनके पास में फैक्स के थ्रू वहाँ पे निकल जा रहा था, इसे हम टेलीग्राफ कहते हैं। और ये है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जिसका इन्वेंशन किसने किया है, सैमुअल एफ बी मोर्से ने, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइपराइटर, क्या होता है टाइपराइटर। टाइपराइटर वाज इन्वेंटेड बाय विलियम ऑस्टिन बर्ट। ओके विलियम ऑस्टिन बर्ट। तो ये पिक है आपकी टाइपराइटर की, ये आपने देखा होगा, खासकर ये जो टाइपराइटर है ये आपको मिल जाएगा देखने को, जो आपके कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, आपके मजिस्ट्रेट ऑफिस हो गए, हाई कोर्ट हो गए, उनके बाहर आपको काफी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बैठे रहते हैं और टाइपिंग करते रहते हैं उसके ऊपर, टक 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 टक, ठीक है, बहुत स्पीड में। आप ये वो वाली टाइपिंग है जो आप घर में अपने पीसी के साथ करते हैं, अपने कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड से करते हैं, ये बिल्कुल अलग होता है टाइपराइटर। इस पे जैसे इसमें इंक डलती है, ठीक है, जैसे ही जो भी आप टाइप करते हैं इस पेज के ऊपर सभी कुछ क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक। तो ये टाइपराइटर की पिक है, और टाइपराइटर वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम ऑस्टिन बर्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज द टेलीस्कोप। ओके नेक्स्ट क्या है, टेलीस्कोप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी फिगर देखिए टेलीस्कोप की। अच्छा आप में से मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसे स्टूडेंट्स बताइए जिन्होंने टेलीस्कोप को रियल में ऑब्जर्व किया है, ठीक है, मतलब क्या टेलीस्कोप से आपने सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व किया है कभी। ओके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए टेलीस्कोप को जो इन्वेंशन किया वो है हंस लिपर शे। क्या है, हंस लिपर शे। ओके ये टेलीस्कोप इन्वेंशन किया था हंस लिपर शे ने। अब देखिए आपके अगर मुझे कोई ऐसी चीज देखनी है जो कि बहुत ही स्मॉल है, जो कि नजर ही नहीं आती, उसके लिए एक हम यूज करते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम होता है आपका माइक्रोस्कोप, राइट। क्या होता है माइक्रोस्कोप, मतलब कोई इतनी छोटा ऑर्गेनिज्म, इतना स्मॉल क्रिएचर जो हमें नजर ना आए, उसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से। अगर अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी नेचुरल आप चाहे मान लीजिए कोई भी घटना हो रही है, कोई इवेंट हो रहा हो, अगर आपको कुछ भी देखना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाइनोकुलर्स। क्या करते हैं, बाइनोकुलर्स, जिसे आप दूरबीन कहते हैं, राइट। एंड अगर आपको अर्थ से बाहर देखना है, मतलब अगर आपको स्पेस के अंदर कुछ देखना है, लाइक आज सोलर एक्लिप्स है, या फिर लूनार एक्लिप्स है, या फिर अर्थ के नियर बाय से काफ़ी वीनस जो प्लेनेट है वो जाने वाला है, अगर आपको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या फिर कुछ भी स्पेस रिलेटेड कुछ भी इवेंट्स देखने हैं, उसके लिए यूज होता है आपका टेलीस्कोप। क्या यूज होता है, टेलीस्कोप। ओके तो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज द मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास रोजर बैकन। मैग्नीफाइंग ग्लास वॉज इन्वेंटेड बाय रोजर बैकन। ये होते हैं आपके मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैग्नीफाइंग ग्लास आप सभी को पता है, ठीक है, आई थिंक आप सबने देखे भी हैं। ये छोटे से होते हैं, इनसे कोई भी चीज़ आप जूम करके देख सकते हैं, राइट।
या आपके वैसे जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर जब आप हायर क्लासेज में हो जाओगे, जब आपके पास केमिस्ट्री बायो फिजिक्स होंगे, तब आपको एज ए इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज करने होंगे और आपको ये दिखाए भी जाएंगे, दिए भी जाएंगे. डन. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज द प्रिंटिंग प्रेस. ओके, प्रिंटिंग प्रेस प्रेस ये जो है इनका जो वो किया है इन्वेंशन, वो किया है जोहेंस गुटेनबर्ग ने. इस पर आप स्टार मार्क मार्क कर सकते हैं. ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपका. प्रिंटिंग प्रेस, जोहेंस गुटेनबर्ग. देखिए जर्मनी, जो जर्मनी आज कंट्री है, वहाँ के एक ये पर्सन है जिनका नाम है जोहेंस गुटेनबर्ग. और गुटेनबर्ग ने इन्वेंशन किया किसका? प्रिंटिंग प्रेस का. आज हमारी बुक्स, हमारे न्यूज़पेपर्स एंड अदर मैगजीन्स जो भी आपके प्रिंट होते हैं, ये थ्रू प्रिंट होते हैं आपके किसके थ्रू? बाय प्रिंटिंग प्रेस. ओके. नेक्स्ट वन टेलीविजन. ओके, टेलीविजन आप सबको पता है इनकी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टीवी, है ना? जॉन लॉगी बेयर्ड. ओके, इसको वैसे आप शॉर्ट में लर्न कर सकते हैं, इतना अगर आपको लर्न ना हो, जे जे सॉरी इधर लिख सकते हैं जे एल बेयर्ड, बस. ठीक है, जरूरी नहीं आपको पूरा फुल नेम लर्न होगा. ठीक है, तो जे एल बेयर्ड, जे एल बेयर्ड ने इन्वेंशन किया है टेलीविजन का. ठीक है, ये जो आपको टीवी नजर आ रहा है टेलीविजन, ये तो वैसे प्लाज्मा टेलीविजन है, बट आपको पता है स्टार्टिंग में जो आपके टेलीविजन आते थे वो बहुत बड़े होते थे. ठीक है, बॉक्स लाइक होते थे, सेटअप लाइक, काफ़ी स्पेस कवर करते थे. अब आपके टेलीविजन प्लाज्मा की जो स्क्रीन आती है वो काफ़ी ही आपकी थिन होती है, राइट? जैसे कि आपको पिक में दिखाया हुआ है ना. तो टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जे एल बेयर्ड. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज द मैकेनिकल कंप्यूटर. ओके, मैकेनिकल कंप्यूटर कह लो या फिर आप नॉर्मली कंप्यूटर ही कह लो, ठीक है, पीसी कह लो. तो इसको जो इन्वेंशन किया, ये तो सबको ही पता है आई थिंक. ठीक है, ये आपको अकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है, आपको स्कूल में भी. जो मैकेनिकल कंप्यूटर है ये इन्वेंशन किया इसका चार्ल्स बेबेज ने. क्या नाम है इनका? चार्ल्स बेबेज. ओके, नेक्स्ट वन इज द बैरोमीटर. बैरोमीटर, बैरोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय इवेंगेलिस्टा टॉरिकली. ओके, इवेंगेलिस्टा टॉरिकली. तो इसमें आप सिर्फ यही नाम रख सिर्फ लर्न रख सकते हैं. देखिए बैरोमीटर क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बैरोमीटर एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट करता है. ठीक है, अभी जैसे हमें बताया जाता है कि आपके जैसे सपोज कीजिए आपको जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो कि हमारा मौसम विभाग है, जो हमें बताते हैं कि 4 दिन बाद काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाएगी. ठीक है, 2 दिन बाद बारिश होगी, यहाँ पर ये होगा वो होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, विंटर में कैसा सीजन रहेगा, लू चलेगी, जितने भी जो भी आपको पता लगता है, तूफान आने वाला है, जो भी. ठीक है, जो भी आपकी वेदर की, क्लाइमेट की, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती है, ये हमें किसके थ्रू बताया जाता है? बैरोमीटर के थ्रू. मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, राइट? तो जब मैं आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स करवाऊंगा तब आपको फिर बताऊंगा बैरोमीटर के बारे में. तब तो हम ये पढ़ेंगे कि बैरोमीटर करता क्या काम है, बट अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि बैरोमीटर का इन्वेंशन किसने किया. ओके, तो बैरोमीटर क्या होता, सबको क्लियर हुआ? बैरोमीटर, जैसे जब हमें फीवर होता है तो हम फीवर को मेजरमेंट कैसे करते हैं? फीवर को मेजरमेंट किया जाता है बाय थर्मोमीटर. सो लाइक ऐसे ही हम जब हमारे वेदर को जब हम मेजरमेंट करते हैं कि कैसा वेदर रहने वाला है आपका, क्लीन रहेगा, ड्राई रहेगा, और रेनफॉल होगा, स्टॉर्म आएगा, या फिर जो भी है, तो ये हम किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से, राइट? चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज द कैलकुलेटर. ओके, कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय पास्कल. ओके, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड बाय पास्कल. कैलकुलेटर तो आई थिंक आप सभी ने देखा है, आई थिंक यूज भी किया होगा, आपके फादर के पास आपको मिल जाएगा. आपके फादर रोज डेली जब भी अपना ऑफिस वर्क करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो कैलकुलेटर तो यूज करते ही है. देखा आप सबने कैलकुलेटर. मैं फिर कहूँगा सेलफोन, सेलफोन ने सबकी जगह छीन ली है, राइट? तो कैलकुलेटर आपका सेलफोन के अंदर भी इंक्लूड है ना. तो नेक्स्ट वन, मर्क्यूरी थर्मोमीटर. ओके, ये लो आ गया थर्मोमीटर. थर्मोमीटर आपका मेजरमेंट वैसे यूज होता है किसके लिए? आपकी बॉडी टेम्परेचर के लिए, राइट? तो बॉडी टेम्परेचर में हम यूज करते हैं थर्मोमीटर. यहाँ पे है मर्क्यूरी थर्मोमीटर, डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट. ओके, ये जो इनके इन्वेंटर है वो है डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट.
आपको पता है जो हमारा टेम्परेचर होता है इसको मेजरमेंट करने के लिए आपकी 3 यूनिट्स होती है। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कितनी यूनिट्स होती है? 3। कौन कौन सी? केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, जब भी हमें फीवर होता है तो फीवर सेल्सियस में होता है फ़ारेनहाइट में होता है, ये बताइए जल्दी मुझे आप, जो फीवर होता है वो सेल्सियस में होता है या फ़ारेनहाइट में होता है? जो इनका नाम है इसी के ऊपर, ठीक है, फ़ारेनहाइट इन्हीं के ऊपर यूनिट आपकी, राइट। तो आप मुझे बताएंगे कि नॉर्मल बॉडी, जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है एंड सेल्सियस में क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो आपका वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। इसके अलावा अगर आपका 0 डिग्री से बिलो टेम्परेचर होता है तो फ्रिजिड या फिर कोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स अब आपकी हर चीज़ नेचर में जो भी है वो सभी कन्वर्ट हो जाएगी आइस में, है ना। सेम ऐसे ही, तो अब मुझे आप ये बताइए एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना होता है एंड इन फ़ारेनहाइट कितना होता है? क्लियर। चलिए, ये है कैलकुलेटर एंड मर्क्यूरी थर्मोमीटर। सबमरीन, नेक्स्ट वन इज द सबमरीन। सबमरीन वॉज इन्वेंटेड बाय डेविड बुशनेल। ओके, ये किसने इन्वेंशन किया इसका? डेविड बुशनेल ने। आपने काफ़ी सारी मूवीज में या फिर अगर आप कार्टून, वेब सीरीज जो भी देखते हैं उनके अंदर ये सबमरीन दिखाई जाती है। सबमरीन क्या होती है? ये होता तो वाटर का ही व्हीकल है, बट ये वाटर के ऊपर नहीं, ये वाटर के अंदर, ठीक है, इन वाटर ये यूज किया जाता है। जब हमें डीप डीप स्टडी करनी होती है किसकी, जब हम डीप स्टडी करते हैं सी की, या फिर जब हमें फाइट में भी ये यूज होता है, जब किसी दूसरे देश से या फिर अदर कंट्री से जब हमारा वॉर हो रहा होता है, तो सबमरीन काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो आप इसकी पिक देख सकते हैं सबमरीन की, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन वो होता है पूरा, गेटर रूम होता है, तो ये आप मत सोचिए कि सर पानी में इतने नीचे चले जाएंगे तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, क्या होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ये सेफ रहती है। तो ये होती है सबमरीन। नेक्स्ट वन इज द पावर लूम। ओके, पावर लूम, पावर लूम वॉज इन्वेंटेड बाय एडमंड कार्टराइट। ओके, एडमंड कार्टराइट, दिस वन इज द पावर लूम। पावर लूम क्या होता है? ये जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा पावर लूम, ये एक प्रकार का टेबल टाइप स्ट्रक्चर है कुछ, ठीक है, ये उसका है वुड का, एंड इसके ऊपर बहुत सारे आपके थ्रेड होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे होते हैं काफ़ी सारे, इनको फिर इनको स्पिनिंग किया जाता है नीचे से। इसको जब आप प्रेस करते हो वुड को, तो फिर क्या होता है, धीरे 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 धागे से क्या बनते हैं आपके क्लोथ्स, कपड़े बनते हैं, राइट। तो ये होता है पावर लूम। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द गैस टर्बाइन। गैस टर्बाइन इज वॉज इन्वेंटेड बाय द जॉन बार्बर। ओके, गैस टर्बाइन, जॉन बार्बर। अच्छा, टर्बाइन क्या होता है? देखिए, तो जो भी हमारी रिवर्स होती है जो कि माउंटेन से फ्लो होती है, सपोज ये माउंटेन है आपके, ठीक है, अब इनसे जो रिवर फ्लो होके आ रही है, हम क्या करते हैं, रिवर के वाटर को एक जगह सीज कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे हम कुछ बैराज बनाते हैं, मतलब कुछ गेट्स बनाते हैं, है ना, लाइक ऐसे, ठीक है, इसको रोक लेते हैं पानी को सभी को इसके पीछे, इसी को हम कहते हैं डैम। देन इसके बाद ये जो वाटर होता है ये थोड़ा थोड़ा फ्लो होता है, होता रहता है, ठीक है, ये काफ़ी हाइट से गिरता है नीचे, और नीचे एक लगा होता है टर्बाइन, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो क्लियर हुआ टर्बाइन। तो अब होगा क्या, ये जो वाटर होता है ये सारा वाटर इस टर्बाइन के ऊपर गिरता है, देन ये टर्बाइन काफ़ी ज़्यादा टर्न होता है, स्पिन करना स्टार्ट होता है, जब ये स्पिन करना स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, तो एनर्जी क्रिएट होगी। यहाँ पे एक पावर हाउस होता है, उस पावर हाउस के अंदर आपकी जितनी भी एनर्जी होती है वो सभी की सभी क्या हो जाती है, स्टोर होती है। देन इसके बाद ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे कहाँ तक, हाउस होल्ड तक पहुँचा दी जाती है थ्रू द पोल्स। ओके, तो ये होता है आपका टर्बाइन। टर्बाइन क्लियर हो आपको क्या होता है टर्बाइन? तो जो हम ये बात कर रहे हैं ये है आपका गैस टर्बाइन। गैस टर्बाइन को जो इन्वेंशन किया था वो कह रहा जॉन बार्बर ने। द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक बैटरी। ओके, इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी वॉज इन्वेंटेड बाय एलेसेंड्रो वोल्टा। ठीक है, एलेसेंड्रो वोल्टा। देखिए, इलेक्ट्रिक बैटरी आप सभी हम फोन में यूज करते हैं, है ना, ये होती है हमारी बैटरी होती है ना सभी के फोन में, आपके सेल फोन के अंदर। इसके अलावा हम सभी के घरों में इन्वर्टर लगा होता है, तो इन्वर्टर में भी बैटरी यूज होती है, और जैसे आपकी कार होती है, स्कूटी होती है, बाइक होती है, इनमें भी बैटरी यूज होती है, राइट। सो ऐसे ही ये बैटरीज वर्क करती है एज ए पावर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, जो आपकी
इलेक्ट्रिक बैटरी होती है, इसको जो इन्वेंट किया वो किया एलेसेंड्रो वोल्टा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय द थॉमस एल्वा एडिसन। ओके, थॉमस एल्वा एडिसन। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, हु वॉज इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। ठीक है, आप इसका बताइए, तब तक हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो इलेक्ट्रिक बल्ब, थॉमस एल्वा एडिसन। नेक्स्ट स्टेथोस्कोप। ओके, स्टेथोस्कोप आप सबको पता है, स्टेथोस्कोप जब भी आप डॉक्टर पे विजिट करते हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए डॉक्टर पे विजिट, ठीक है, क्योंकि आप हेल्दी रहो तो बढ़िया है, लेकिन जब आप डॉक्टर पे विजिट करते हैं, राइट, जब आपको फीवर होता है, कोल्ड होता है, तो डॉक्टर अपने ईयर के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, एंड देन वो आपके चेस्ट के ऊपर रखते हैं और आपको कहते हैं कि डीप ब्रीथ कीजिए। राइट, डीप ब्रीथ करते हैं तो उनसे क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमें अंदर सब कुछ सुनाई दे जाता है कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं, क्या आपको कोल्ड ज़्यादा है या कोल्ड कम है ना। तो ये होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को जो इन्वेंशन किया वो किया रेने लियंसे ने। ठीक है, रेने लियंसे ने। ओके, तो ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है स्टेथोस्कोप की, और आई थिंक आप सभी ने रियल में भी देखा होगा स्टेथोस्कोप, है ना। तो बल्ब एंड स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, माइकल फेराडे। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर वॉज इन्वेंटेड बाय माइकल फेराडे। इलेक्ट्रिक मोटर आप सभी के घर में भी है ना, आप सबके घर में जो पानी की सप्लाई आती है या फिर गवर्नमेंट के थ्रू जो पानी सेंड किया जाता है, आप क्या करते हो, आप सिर्फ बटन प्रेस करते हो, जो कि आपका किसका होता है, मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का। देन वो वाटर आपके घर में, आपके जो टैंक होते हैं या फिर जो आपके घर में टंकी होती है, वो फिल हो जाती है इसके थ्रू, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर आपके काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स में लगती है, लाइक आपके फैन, ठीक है, जो आपके फैन होते हैं उनमें, देन आपके कूलर, ठीक है, एसी एंड सो ऑन, काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होती है, मोस्टली आपके मोटर के थ्रू ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन इज द डायनमो। ओके, डायनमो, डायनमो वॉज इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे। ओके, तो चलिए ये भी हो गया हमारा, चलते हैं नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट वन इज द बाईसाइकिल, बाईसाइकिल। ओके, अच्छा, आप में से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास अपनी खुद की पर्सनल बाईसाइकिल होंगी, राइट, तो बाईसाइकिल आप सबके पास है, बट ये जो बाईसाइकिल है इसका इन्वेंशन किसने किया, इसका इन्वेंशन जो किया है वो किया है किक पैट्रिक मैकमिलन। किसने? किक पैट्रिक मैकमिलन। ओके, तो इन्वेंटर कौन है बाईसाइकिल के आपके, एक पैट्रिक मैकमिलन, राइट। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा डायनामाइट। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है डायनामाइट, इस पे वापस स्टार मार्क। ओके, डायनामाइट, डायनामाइट का जो इन्वेंशन किया है वो किया है एल्फ्रेड नोबल। किसने किया है? एल्फ्रेड नोबल। और आप सभी को पता होना चाहिए आज वर्ल्ड में जो आपका हाईएस्ट अवार्ड है वो है नोबल प्राइज। क्या है? नोबल प्राइज, वो पता है इन्हीं के नेम पे दिया जाता है। नोबल प्राइज में आपको एक कॉइन मिलता है, ठीक है, उस कॉइन के ऊपर जो पिक है, जो पिक्चर है, जब मैंने आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जब पीपीटी जो हमारा यूट्यूब क्लास हुआ था तब मैंने आपको ये बताया था अवार्ड्स एंड ऑनर्स में कि नोबल प्राइज के बारे में, राइट। तो नोबल प्राइज के ऊपर क्या है, आपके जो एल्फ्रेड नोबल है उनका फोटो। तो एल्फ्रेड नोबल ने किया क्या था ऐसा, तो एल्फ्रेड नोबल ने क्या किया था, डायनामाइट का इन्वेंशन किया, ठीक है। डायनामाइट क्या होता है, डायनामाइट जैसे आपके एंशिएंट टाइम में तो नहीं कहूँगा, बट जब आपका 20 सेंचुरी जब आपका स्टार्ट हुआ, तो क्या होता था, जो ह्यूमन बींग्स थे, जब भी किसी रॉक को कट करना हो, कोई माउंटेन को कट करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे, उसके लिए एज अ ह्यूमन लेबर, एज अ पावर यूज होती थी, ठीक है, जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं उनसे आप उनको टोर करते थे। लेकिन जब एल्फ्रेड नोबल ने इन्वेंशन किया डायनामाइट का, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिली, ठीक है। डायनामाइट पता है वो क्या होता है, जैसे लाइक आपका एक वो होता है, इस पे यहाँ पे ट्रिगर होता है, ट्रिगर के बाद यहाँ पर आपका जो तार होता है, फिर यहाँ पे टीएनटी होता है, टीएनटी किसे कह सकते हैं हम, ठीक है, टीएनटी होता है एक्सप्लोजन। ओके, जैसे ही आप इस ट्रिगर को आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स को काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब ज़्यादा आपको हार्डवर्क नहीं करना पड़ा, राइट। लेकिन आगे इन फ्यूचर जो ह्यूमन बींग्स थे, इन्होंने इसका गलत यूज करना स्टार्ट कर दिया, है ना। क्या कहते हैं उनको, जब आपके ये टेररिस्ट यूज करते हैं लैंड पे,
नीचे लैंड एरिया के ऊपर इनको लगा दिया जाता है। जैसे ही आप इनके ऊपर अपना पैर रखेंगे, लेग रखेंगे, तो फिर काफी बड़ा एक एक्सप्लोजन होता है और वो ह्यूमन बींग डेड हो जाता है। आई थिंक इन्हें माइंस कहते हैं, है ना, माइंस होती है शायद, तो देखिए वो माइंस होती है। तो जब अल्फ्रेड नोबल को पता लगा कि मैंने एक ऐसा इन्वेंशन किया था जो कि अच्छे के लिए, गुड वर्क के लिए किया, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने तो उसको बैड वर्क के लिए कर दिया, तो अल्फ्रेड नोबल के पास काफी चैरिटी थी, काफी ज्यादा वेल्थ थी। इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो भी अब वर्ल्ड में जो कोई सोसाइटी के लिए कोई अच्छी इन्वेंशन करेगा, अच्छा करेगा, उसको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। क्लियर हुआ सबको? और आई थिंक इसमें 8 करोड़, है ना, जो भी नोबेल प्राइज विन करता है उनको 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है अभी तक का। कौन सा? नोबेल प्राइज। तो आपको याद रहेगा नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज किसके नेम पे? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। क्लियर, चलिए आगे। नेक्स्ट है कैमरा। ओके, कैमरा। तो जो कैमरे होते हैं, ये जो कैमरे का जो आपका इन्वेंशन किया है वो किया है जोहान जेन ने, ठीक है, जोहान। तो आप सिर्फ इतना ही लर्न कर सकते हैं। सेकंड इसी के नीचे है वापस आपका डिजिटल कैमरा। ओके, तो आपके डिजिटल जो कैमरा होते हैं उसको जो इन्वेंशन किया वो किया स्टीव सेशन। क्या नाम है इनका? स्टीव सेशन। ओके, कैमरे का पूछे तो जोहान लर्न कर लेना, एंड डिजिटल कैमरा पूछे तो स्टीव। ओके, ये आप लर्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट पेट्रोल और गैसोलीन पावर्ड ऑटोमोबाइल। ठीक है, अच्छा, ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं? ऑटोमोबाइल्स हम एक प्रकार से कह सकते हैं व्हीकल्स को, ठीक है, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, लाइक आपकी कार, बाइक, बस, स्कूटी एक्सेट्रा। तो फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था ऐसा ऑटोमोबाइल जिसको पेट्रोल या गैसोलीन पावर्ड से वो आपका कंडक्ट होता था? तो ये इसका जो इन्वेंशन किया वो किया कार्ल बेंज ने। क्या नाम है इनका? कार्ल बेंज। ओके, नेक्स्ट वन इज द एक्सरे। ठीक है, एक्सरे जब भी हमें कोई फ्रैक्चर हो जाता है या फिर हमें कोई मेजर इंजरी हो जाती है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सरे करवाइए, है ना। तो एक्सरे में क्या होता है, जो भी हमारी बोन्स होती है उनको डिटेक्ट किया जाता है क्या वो फ्रैक्चर है या नहीं। ओके, तो जो एक्सरे है इसमें आप सिर्फ इतना ही नाम लर्न कर सकते हैं, रोंटजन, ठीक है, और एक्सरे आपका इम्पोर्टेंट भी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में आपको पता है ना एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, वो अलग ही होता है बिल्कुल, तो वो एक्सरे किया जाता है वहाँ पे। तो वैसे इनका नाम है विलहेलम कॉनरेड रोंटजन, बट आप सिर्फ इतना ही लर्न करेंगे, रोंटजन। ओके, तो देख सकते हैं आप पिक के अंदर, जैसे ये जो भी पर्सन है इनकी हमें सारी बोन्स का पता लग रहा है, इनकी बोन्स कैसे है, ठीक है, कहाँ है, अगर फ्रैक्चर होगी तो वो डॉक्टर डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपको कुछ हुआ है या नहीं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर, एमरिको फर्मी। इसमें आप सिर्फ नेम लर्न कर सकते हैं, फर्मी। फर्मी इन्वेंटेड द न्यूक्लियर रिएक्टर। ये देखिए आपके न्यूक्लियर रिएक्टर, ये इंडिया में भी है, ठीक है, इंडिया में 8 है। और आपको आई थिंक जब मैंने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स करवाए थे तब मैंने आपको बताए थे, लाइक आपका कैगा, कुडनकुलम, काकरापारा, रावत भाटा, नरोरा, जैतपुर, लर्न आपको या भूल गए हो? तो अगर आप भूल गए हो तो आज ही अपने नोट्स को वापस रिवाइज कीजिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके, ठीक है, और ये आपसे स्टेट्स भी पूछे जाते हैं कि ये किस स्टेट में है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है वैसे? जैसे मैंने आपको बताया, इस अर्थ पे अभी के समय, मतलब प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूँ, जो सबसे प्रीशियस चीज़ है, मतलब जो सबसे महंगी चीज़ है वो है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम, राइट। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक एलिमेंट है ना। तो यूरेनियम का क्या करते हैं, यूरेनियम को जब वो उसके एटम से जब एनर्जी को अलग करते हैं तो आपके दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फीजन, राइट। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फीजन, इन दोनों प्रोसेस से ये होता है कि अगर आपने इस एटम की एनर्जी को कंजर्व कर लिया, मतलब इस एटम की एनर्जी को अगर हमने बचा लिया, कंजर्व कर लिया, तो हम इसको एनर्जी में क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी एनर्जी को कंजर्व नहीं करते हैं या फिर इसके प्रोसेस में कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, तो ये बन जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब। क्या बन जाता है? न्यूक्लियर बॉम्ब। या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फीजन क्या होता है, ठीक है, जैसे सन भी वर्क करता है इसी चीज़ पे, एंड आपके जो भी ये एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं इसे वर्क करते हैं। तो इनके प्लांट्स होते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। तो ये क्लियर हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें सिर्फ आप इतना ही लर्न रखेंगे, बर्मी।
नेक्स्ट जीरोक्स मशीन, जीरोक्स मशीन ये सबको पता आपको, फोटोस्टेट है ना, आप सभी स्टूडेंट्स कराते हो अपने, है ना, काफी सारे नोट्स होते हैं या फिर जब भी आपको हॉलीडेज होमवर्क या फिर कुछ अदर जो भी आपका स्कूल वर्क होता है तो हम फोटोस्टेट की बहुत ज्यादा हेल्प लेते हैं। फोटोस्टेट को हम अदर नेम भी कहते हैं जीरोक्स। ओके, तो आपने देखा होगा इसकी मशीन होती है काफी बड़ी सी, है ना, लाइक बहुत बड़ा डब्बा टाइप का कुछ। तो इसको जो इन्वेंशन किया वो किया चेस्टर कार्लसन ने। ओके, जीरोक्स मशीन वॉज इन्वेंटेड बाय द चेस्टर कार्लसन। नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब ये आप सबको पता है, WWW, है ना, आप जो भी इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं कुछ भी, जब भी आप इंटरनेट एक्सप्लोर करते हैं तो आपको वेबसाइट्स की हेल्प लेनी होती है, राइट। तो वेबसाइट्स में भी किसके लिए आप WWW, देन उसके बाद ही आपकी जो भी वेबसाइट्स में भी यूज करते हैं। तो जो ये वेबसाइट्स का इन्वेंशन है ये किया टीम बर्नर्स-ली ने, किसने, टीम बर्नर्स-ली। सेकेंड है आपके रॉबर्ट कैलिए, ठीक है, बट आपके टीम बर्नर्स-ली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो इस पर आप स्टार मार्क मार्क कर लीजिएगा WWW पे। नेक्स्ट वन वैक्यूम क्लीनर। ओके, वैक्यूम क्लीनर डैनियल हैस एंड हबर्ट सिसिल बूथ, ठीक है, आप सिर्फ डैनियल हैस और हबर्ट इतना ही लर्न कर लीजिए, इतना ही इनफ है। वैक्यूम क्लीनर क्या होते हैं आप सबको पता है, वैक्यूम क्लीनर जो कि आपकी जो आप हमारे घर होते हैं, हाउस होते हैं, उनके अंदर क्लीनिंग के लिए एज ये वर्क करते हैं, है ना, साफ सफाई में काम आते हैं। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन क्या होता है इसका आप सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इनका जो इन्वेंटर था वो थे आपके चार्ल्स डार्विन, ये बहुत फेमस आपके बायोलॉजिस्ट भी रहे हैं एंड साइंटिस्ट भी रहे हैं। ये कहते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो ह्यूमन बींग है इनका धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, एवोल्यूशन हो रहा है कैसे, जैसे अभी हम लोग हैं तो पहले हमारी पूंछ हुआ करती थी, तो हमारा एवोल्यूशन हुआ, हमारी पूंछ क्या हो गई, गायब हो गई, है ना। पहले हमारी पूरी बॉडी पे हेयर हुआ करते थे, अभी भी आपको कई पर्सन ऐसे मिल जाएंगे खासकर मेल, है ना, उनकी पूरी बॉडी पे आपके हेयर ही हेयर होते हैं। तो मतलब ये हमें ये कहते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो कौन थे, आपके ऐप, कौन थे, ऐप, ऐप समझते हो आप, ऐप क्या होता है, ऐप होता है वनमानुष, है ना, मैं गोरिल्ला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वनमानुष की बात कर रहा हूँ जो आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले आप ऐसे चलते थे हम, फिर धीरे धीरे हमारी बैकबोन सही हुई, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे, देन हम पूरे के पूरे क्या बन गए, ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। ओके, नेक्स्ट वन इज द रॉकेट इंजन, है ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी रॉकेट इंजन, तो इस पर भी आप स्टार मार्क लगा लेना। वैसे देखो लर्न तो आपको सारे ही करने, बट जिन पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ वो आपको मैं फोर्सफुली कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज द रॉकेट इंजन, रॉकेट इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट एच गोडार्ड, ठीक है, रॉबर्ट एच गोडार्ड। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी हाल में चंद्रयान 3, है ना, चंद्रयान 3 लैंड हुआ था मून पे, साउथ पोल पे, आप मुझे बताएंगे कौन सी डेट थी वो, क्योंकि उस डेट को नरेंद्र मोदी जो हमारे इंडिया के पीएम है उन्होंने नेशनल स्पेस डे अनाउंस किया था। क्या किया था, नेशनल स्पेस डे, मतलब 2023 से ही हम एक नया डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल स्पेस डे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब ये बताएंगे कि नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, है ना। तो रॉकेट इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट एच गोडार्ड, है ना, जो रॉकेट होते हैं उनके इंजन को आगे ताकि ये मूव कर सके उसके लिए इंजन लगा होता है, ये रॉबर्ट एच गोडार्ड ने इसका इन्वेंशन किया। नेक्स्ट वन इज द रेडियम। ओके, रेडियम इनको जो इन्वेंशन किया है वो किया है मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी। ओके, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है। जो फर्स्ट है मैरी क्यूरी, ये मैम है, मतलब ये फीमेल है, एंड जो नीचे है ये आपके सर है, मतलब मेल है, ठीक है। तो ये वाइफ, ये हस्बैंड, दोनों इन दोनों ने मिलकर एक इन्वेंशन किया, किस चीज का, रेडियम का। अभी रेडियम क्या होता है आप सबने देखा है, आप में से कईयों के पास वॉच होगी जो कि जब भी लाइट ऑफ होती है या फिर अंधेरा होता है तो वो वॉच क्या होती है, शाइन होती है, चमकती है, है ना। कई कई अपने रूम्स के अंदर काफ़ी सारे स्टार्स मून्स ऐसे लगाते हैं ताकि वो अलग से चमके। एंड इसके अलावा रेडियम आपका एक एलिमेंट है, ओके, एंड मोस्टली ये यूज किया जाता है जब हम नाइट टाइम जब भी हम ड्राइविंग करते हैं। तो आपने देखा होगा जो भी हमारी व्हीकल्स होते हैं या फिर साइन बोर्ड्स होते हैं, साइन बोर्ड जैसे इन पे लाइट थोड़ा सा ही ग्लो होता है वो पूरे शाइन करते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे आप लोगों में सभी के पास बाईसाइकिल है ना, आप लोग के पास बाईसाइकिल तो पक्का ही होगी, तो बाईसाइकिल में भी आपकी सीट के पीछे या फिर कुछ ऐसे रेड कलर के स्टिकर्स वो लगे होते हैं जिनमें क्या होता है, रेडियम। क्लियर हो गया रेडियम।
नेक्स्ट वन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल वॉज इन्वेंटेड बाय दमित्री मेंडलीव। ओके, आपको सिर्फ इतना नाम लर्न रखना है, मेंडलीव। ओके, क्या लर्न रखेंगे, मेंडलीव। तो ये क्या होता है पीरियोडिक टेबल? देखिए वैसे आप ये अपर क्लासेज में पढ़ेंगे, बस मैं आपको इतना समझा देता हूँ कि एक टेबल होती है, इसके अंदर जितने भी हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, केमिकल्स, एलिमेंट्स होते हैं, इन सभी के नंबरिंग दिए होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर, इनका मास नंबर, ये सारा का सारा मेंशन होता है। ठीक है, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि जब भी आपकी 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में होंगे आप, तब आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्या, पीरियोडिक टेबल। तो अभी आपको इतना ही लर्न रखना है कि पीरियोडिक टेबल एक ऐसी टेबल है जिसके अंदर जितने भी अर्थ पे एलिमेंट्स, मेटल वेटल हैं, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, इन्वेंटेड बाय मेंडलीव। नेक्स्ट वन इज द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन वॉज डिस्कवर बाय जोनास सॉल्क। ओके, सॉल्क आप इतना लर्न रख सकते हैं, ओनली सॉल्क, एंड ये इम्पोर्टेंट भी है। देखिए पोलियो एक डिजीज है, ठीक है, पोलियो एक डिजीज है जो कि वायरस से स्प्रेड होता है आपका। और आपको पता है आज इंडिया में अगर मैं बात करूँ फिजिकली हैंडीकैप्ड की, जो कि आपके होते हैं ना विकलांग जिसे आप कहते हो, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनमें से 70% फिजिकली हैंडीकैप्ड पता है आपको पोलियो से है। पोलियो क्या होता है, आप सबने आई थिंक दो बूंद ली होगी पोलियो की सबने, है ना, 5 ईयर तक दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, बहुत ही आपको ड्रॉप दिए जाते हैं, 2 ड्रॉप्स। तो जो पोलियो होता है वो एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होता है, जैसे आप सपोज कीजिए एकदम सही है, 6 7 ईयर तक कोई बेबी है, कोई चाइल्ड है, वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन जब उसके ऊपर पोलियो का अफेक्ट होता है, पोलियो डिजीज जब उसको हो जाता है, तो धीरे धीरे उसके जो लेग होते हैं या फिर हैंड होते हैं, इसके अंदर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनके जो बोन्स है वो बिल्कुल डिफ्रैक्चर हो जाते हैं, उससे वो क्या हो जाते हैं, हैंडीकैप्ड, और इस चीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट भी नहीं है। ओके, तो इसका वैक्सीन बनाया गया और कहा गया 5 ईयर तक सभी बच्चों को दिया जाए, और उसके बाद ये काफ़ी सही है। और आई थिंक इंडिया, आपको पता है पोलियो फ्री भी है, मतलब इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। अब इंडिया में पिछले कुछ ईयर से कोई भी पोलियो के केसेस जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज़ द मशीन गन। ठीक है, ये जो भी आप स्टूडेंट्स आई थिंक जो एक बहुत ही गेम है, क्या नाम है उसका, पबजी है ना, पबजी हो गया एंड फ्री फायर हो गया, कुछ ऐसे गेम्स आप खेलते हैं जिनमें गन्स यूज करते हो, तो मशीन गन्स होती है ना यूज आपकी, मशीन गन, वैसे पता ना आपको रियल में भी होती है, जो हमारी आर्मी है, जो हमारी इंडिया की, उनके पास रियल में भी, आप तो गेम में ये खेलते हो। तो ये इसका इन्वेंशन किसने किया था, रिचर्ड गैटलिंग ने। किसने इन्वेंशन किया इसका, रिचर्ड गैटलिंग। नेक्स्ट वन इज द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ऑल्सो एलेक्जेंडर ग्राम बेल। देखिए एलेक्जेंडर ग्राम बेल आपने पहले ही पढ़ा था है ना, एलेक्जेंडर ग्राम बेल वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड द टेलीफोन। ओके, एंड ऑल्सो इन्वेंटेड द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, माइक, जिसमें आप बोलते हो, लाइक जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो मेरे इंस्ट्रूमेंट मैंने वियर कर रखा है, ये क्या है, माइक्रोफोन, आपके फ़ोन में नीचे होता है। ठीक, एंड जब भी आप स्पीकर कहीं जाते हो, जब आप डिबेट करते हो, कोई डिलीवर स्पीच डिलीवर करते हो, तो आपको माइक दिया जाता है, तो उसे हम माइक्रोफोन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मैंने आपको बताया ना, बहुत ही जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते, उनके लिए यूज होता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय हंस जेंसन। ठीक है, हंस जेंसन। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये मोस्टली वैसे आपके डॉक्टर्स यूज करते हैं जब हमें कोई डिजीज होता है, उस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए, जब आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है, अदर सो होन, आपके ये माइक्रोस्कोप यूज होता है। इंसुलिन, इंसुलिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, पैड्रिक बेंटिंग, ठीक है, आप बेंटिंग यूज कर सकते हैं सर। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है, देखिए जिनकी डायबिटीज होती है, मतलब जिनकी शुगर होता है, जिनकी बॉडी के अंदर आपका ग्लूकोज फॉर्म नहीं होता, वो बाहर से इंटेक करते हैं क्या, इंसुलिन, है ना, खुद से अप्रूव करके फिर अपने खुद के इंटेक कर लेते हैं इंसुलिन, ताकि उनकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। नेक्स्ट वन इज द हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर वॉज इन्वेंटेड बाय इगोर सिकोर्शे। ओके, हेलीकॉप्टर किसने इन्वेंट किया, इगोर सिकोर्शे। देख सकते हैं हेलीकॉप्टर तो आप सबने देखा होगा आई थिंक, एंड ये है इंसुलिन। नेक्स्ट वन इज द ग्रामोफोन। ग्रामोफोन ऑल्सो इन्वेंटेड बाय थॉमस एल्वा एडिसन। आपने पहले ही पढ़ा था, थॉमस एल्वा एडिसन ने एक और इन्वेंशन किया था, वो था इलेक्ट्रिक
बल्ब, राइट। इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड बाय थॉमस एल्वा एडिसन, है ना। एंड ग्रामोफोन भी, ये होता है ग्रामोफोन। यहाँ पे ना एक डिश लगती है, एक प्लेट होती है काफ़ी बड़ी, जिसे हम जिसमें रिकॉर्डिंग्स होती है, कुछ सॉन्ग्स होते हैं, इस पे रखने के बाद वो चलते रहते हैं और हमें साउंड आती रहती है। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है, जो हम फैन यूज करते हैं। एस एस व्हीलर, क्या नाम है इनका, एस एस व्हीलर, ओके। रेडार सिस्टम, रेडार सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट वॉटसन, ठीक है। रेडार सिस्टम किसने इन्वेंट किया, रॉबर्ट वॉटसन ने। और आपको पता है रेडार सिस्टम आपका नेविगेशन के लिए यूज होता है, जब भी आपकी जैसे आपके जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो आपके शिप होते हैं, कि जब भी आपके ट्रैवल करते हैं तो ये रेडार सिस्टम के थ्रू ही वर्क करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द डीजल इंजन, डीजल इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई रुडोल्फ डीजल, ठीक है। इन्हीं के नेम पे हम इसको क्या बोलते हैं, डीजल इंजन, ओके। इनका नेम क्या था, रुडोल्फ डीजल। तो ये डीजल इंजन आपको पता ही है कि आपके ट्रक एंड आपके बस एंड कुछ आपके कार में भी यूज होता है। द नेक्स्ट वन इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में आपको पता है ऑल ओवर टाइम विद इन 24 आवर आपका ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, होता ना ब्लड सर्कुलेट। तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये जो डिस्कवर किया कि कैसे होता है, क्या होता है, वो है विलियम हार्वे। कौन थे, विलियम हार्वे, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन इज द बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। यहाँ पे ये बैन लिखा गया है बाई मिस्टेक, अब इसको पेन करेंगे, बॉल पॉइंट पेन, ओके। सो बॉल पॉइंट पेन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन जे लाउड, ओके, जॉन जे लाउड। आपके पास भी ना पेन, सभी के पास, जैसे आप लोग जो भी हो, बटरफ्लो एंड गोल्ड ट्राईमैक्स और ना जाने कौन कौन से पेन यूज करते हो, तो कुछ ऐसे पेन, पार्कर, है ना, काफ़ी सारी अपनी कंपनीज है पेन की। सो बॉल पॉइंट पेन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन जे लाउड। नेक्स्ट, एरोप्लेन, ठीक है, एयरप्लेन या फिर एरोप्लेन, विल्बर ऑलिवर राइट, ओके। ये आपके दो ब्रदर्स थे, है ना, दो भाई थे जिन्होंने एरोप्लेन को डिस्कवर किया था, एंड एरोप्लेन आपको पता ही है। द नेक्स्ट वन इज द एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, ये किसने इन्वेंशन किया इसका, ओपनहाइमर ने, ठीक है। एटम बॉम्ब वॉज इन्वेंटेड बाय ओपनहाइमर, और ये अभी तक आपको पता है ना, 1945 के अंदर इसको रिलीज किया था, कहाँ पर, हिरोशिमा एंड नागासाकी बाय यूएसए। एंड ये आज की हमारी लास्ट स्लाइड, और ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। लास्ट वन इज द एयर कंडीशनर, ओके, जिसे आप एसी कहते हो, क्या कहते हो, एसी, है ना, एयर कंडीशनर। ये आपका जो इन्वेंशन किया था, ये किया था विलियम कैरियर ने, किसने किया, विलियम कैरियर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक प्रोवाइड हुई है, उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उन्हीं की आप सभी की प्रैक्टिस करेंगे। किसी में भी अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिरोमणि इंस्टीट्यूट। सो जीके की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें आज जो हम टॉपिक करेंगे, वो करेंगे एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, ओके। सो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके एनिमल्स होते हैं और उनकी यंग वंस को क्या कहा जाता है। अभी अगर आप प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे या फिर उनको देखेंगे, तो आपको पता लगेगा उनमें दो से तीन आपके वन या फिर आपके हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से रेज हो रहे हैं, और आपके सिलेबस के अंदर इसको अलग से मेंशन भी कर रखा है, तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक आई थिंक काफ़ी जनरल कह सकता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को ये शायद पता भी होगा, क्योंकि जो ये टॉपिक कर रहे हैं, ये टॉपिक आप में से काफ़ी सारों को इनके आंसर्स भी पता होंगे, आई होप, है ना। जैसे हम बचपन से ही करते आते हैं कि डॉग के बेबी को क्या कहते हैं, कैट के बेबी को क्या कहते हैं, काऊ का जो बेबी होता है क्या कहते हैं, बट इसमें कुछ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताई जाएंगी जो आपको नहीं पता, है ना। तो आज हम कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स करने वाले हैं इसके अंदर, जो कि काफ़ी थोड़े आपके लिए वैसे लगेंगे आपको कि ये कौन से एनिमल है और इनके एनिमल को कहते क्या है, ये कहाँ से आए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो एनिमल्स एंड देयर यंग वंस द टॉपिक। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जैसे ये आपके टाइगर है, ये टाइगर का बेबी है ना, तो टाइगर के बेबी को क्या कहते हैं, ये तो आपको पता है सबको। ये आपकी गोट है, ये गोट का बेबी है, डियर, डियर का बेबी, शिप, है ना, डॉग,
काओ, तो ये आपके यंग वंस है। तो चलिए सबसे फर्स्ट फर्स्ट है हमारी कैट। क्या है? कैट। कैट तो आप सबने देखी है। अच्छा मैं आपसे ये भी पूछता जाऊंगा कि आपने कौन कौन से एनिमल्स रियल में देखे हैं, ठीक है? ये तो बहुत ही जनरल एनिमल है जो अभी आ रहे हैं, जब आगे करेंगे ना अभी तब देखना, तब आपको पता लगेगा कि सर ये कौन से एनिमल है, ऐसे आपने रियल लाइफ में देखे भी नहीं होंगे। ओके तो जो फर्स्ट वन इज द कैट। कैट के जो यंग वंस होते हैं, कैट के जो बेबी होता है उसे हम कहते हैं किटन। क्या कहते हैं? किटन। और ये बहुत ही क्यूट होते हैं, आप सबको पता है ना, जो कैट के होते हैं ना, जो बेबी होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब बेबी चाहे किसी के भी हो अट्रैक्टिव होते ही है ना। चाहे आप किसी भी चीज़ के ले लीजिए, चाहे आपका लोयन का बेबी हो, ह्यूमन बींग के बेबी हो छोटे, एंड आपके कैट के हो, पीजन के हो, डॉग के, तो बहुत ही क्यूट होते हैं, है ना? तो ये आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं कि जो कैट के बेबी होता है उसे क्या कहा जाता है? किटन। ओके नेक्स्ट वन डॉग। ओके सो जो डॉग की बेबी है वो है पपी। क्या है? पपी। ओके अच्छा मैंने आपको इसके बारे में एक फैक्ट नहीं बताया कैट के बारे में। आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पेट एनिमल है या फिर जिसको सबसे ज्यादा लोग अपने घरों में पालते हैं वो है कैट, है ना? एंड अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन है? डॉग। अच्छा आप में से कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पेट एनिमल्स है डॉग, एज ए डॉग? ओके डॉग पेट एनिमल आपके पास किस किस के पास है? एंड जिनके भी पास में भी आपके डॉग एज ए पेट एनिमल है, आप मुझे इनके नेम बताइए, आपने क्या क्या नाम रख रखा है, ठीक है? जैसे मैं अपने उसके नाम बताता हूँ, जो मेरे पास जो है पेट एनिमल एज ए डॉग, उसका नाम है सैटेलाइट, है ना? तो आप लोग भी बताइए डॉग। ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपकी बर्ड है डक, है ना? डक आप सभी ने इनको देखा होगा, सीन किया होगा। जो डक के जो यंग वंस होते हैं, डक का जो बेबी होता है उसे कहते हैं डकलिंग। क्या कहते हैं? डकिंग। ओके द डक इज डकिंग, आपको पिक्चर में शो हो रहा है। ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज द काओ, ठीक है? ये बहुत ही आपको पता है बहुत ही जर्नल है, बहुत ही ऑर्डनरी है, सबको पता है, आप सभी लर्न भी करते हैं। काओ का जो यंग वन होता है वो होता है काफ। क्या होता है? काफ। नेक्स्ट वन इज द डियर। डियर ठीक है, जिसे आप हिरन कहते हो, है ना? जो डियर का यंग वन होता है वो होता है फोन। क्या होता है? फोन। राइट आपको पता है एक एग्जाम था, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि बताइए कौन सा ऐसा एनिमल है जिसकी लार्जेस्ट आईज होती है, मतलब एक ऐसा एनिमल जिसकी सबसे बड़ी आंखें होती है। तो उसमें आपके ऑप्शन थे बफेलो, एलिफेंट, जिराफ एंड डियर। एंड द राइट आंसर पता है क्या था? डियर। ओके तो आपको पता होना चाहिए डियर की आंखें सबसे बड़ी होती है। बेशक आपका एलिफेंट इन साइज वाइज काफी बड़ा है, ठीक है, जिराफ इन हाइट वाइज काफी टॉल है, ठीक है, बट एंड भैंस जिसे आप बफेलो कहते हो वो हेल्दी है काफी, लेकिन उसके बाद भी इन स्पाइट ऑफ द आईज ऑफ लार्जेस्ट आईज किसकी होती है? आपकी डियर की। ओके तो डियर के जो यंग वन होते हैं उसे हम कहते हैं फोन। नेक्स्ट बियर, जो बियर के यंग वंस होते हैं उन्हें कहा जाता है कब। ओके और बियर के बारे में एक ये इंफॉर्मेशन है कि बियर को हनी बहुत पसंद होता है। बियर सबसे क्या खाते हैं? हनी। एंड जैसे ही आपके विंटर सीजन स्टार्ट होते हैं बियर एक बहुत ही लॉन्ग स्लिप में चले जाते हैं, मतलब बहुत लंबी नींद लेते हैं, है ना? कहते हैं कि 2 मंथ्स तक ये सोते ही रहते हैं, ये जगते ही नहीं। तो ये होते हैं बियर। ओके कब? नेक्स्ट वन इज द पिग। ओके पिग आप में से सभी ने देखी होगी, है ना? तो जो पिग का यंग वन होता है उसे कहते हैं पिगलेट। क्या कहते हैं? पिगलेट। पिगलेट के अलावा आप पिग के यंग वन को शॉर्ट भी कह सकते हैं, फैरो भी बोल सकते हैं। पिगलेट, शॉर्ट एंड फैरो, ये पिक के यंग वंस होते हैं, पिक का बेबी होता है। नेक्स्ट है एलिफेंट। जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट के जो बेबी होता है उसे हम कहते हैं काफ। क्या कहते हैं? काफ। और आपको पता है एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जो कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आ चुका है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन से होते हैं? हमारे एनवायरमेंट में काफ़ी सारे एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, है ना, मतलब ख़त्म होने वाले हैं। तो इनको गवर्नमेंट एफर्ट करती है ताकि ये बचें, इसलिए इंडिया में काफ़ी सारे आपके एलिफेंट रिजर्व भी है ना? और एलिफेंट्स को पता हमेशा ग्रुप में रहना पसंद होता है, इसमें ग्रुप्स में ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं, कभी भी अकेले नहीं घूमते। तो एलिफेंट के बेबी को कहते हैं काफ। नेक्स्ट शिप, ठीक है, शिप आपको पता है शिप से हमें वूल मिलती है, ठीक। जो शिप होता है, शिप के जो बेबी होता है उसको हम कहते हैं लैम्ब। क्या कहते हैं? शिप के बेबी को लैम्ब। नेक्स्ट वन
गोरिला। ओके, तो जो गोरिला होता है उसका जो यंग वन होता है उसे हम कहते हैं इन्फेंट। ठीक है, ये वही है जिसको मैं आपको बता रहा था कि कभी कभी हम इनको कह देते थे पहले कि ये हमारे एंसेस्टर है, बट ये नहीं है वो एंसेस्टर। हमारे एंसेस्टर ऐप होते हैं। कौन होते हैं? ऐप। ठीक है, अभी मैं आपको उनकी पिक दिखाता हूँ ऐप की। तो ये गोरिला है, ये मंकी की ही स्पीसीज में माने जाते हैं। तो जो गोरिला होता है इनके जो इन्फेंट होते हैं, मतलब इनके जो यंग वंस होते हैं उसे इन्फेंट कहते हैं। जो ह्यूमन बींग्स के यंग वंस होते हैं उनको भी इन्फेंट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका चिकन। ठीक है, चिकन वैसे आपका यहाँ पे बर्ड शो होना था। ठीक है, चिक, तो जो ये आपकी हैन होती है, ठीक है, इनको जो बेबी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? चिक। डॉल्फिन, डॉल्फिन आपको पता है इंडिया के अंदर हम आज इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल मानते हैं, है ना। इसको क्या कहा जाता है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन। एंड ये आपको पता है सी क्रिएचर के अंदर मोस्ट इंटेलिजेंट आपका क्रिएचर है। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? डॉल्फिन। जो डॉल्फिन का यंग वन होता है उसे भी क्या कहते हैं हम? काफ। क्या कहते हैं? काफ। अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर काफ तो काफी सारे एनिमल्स को कहते हैं, मतलब काफी सारे एनिमल्स के बच्चे हो गए, उनके यंग वंस हो गए जिनको आप काफ बता रहे हो, क्या सबका सेम हो सकता है इतनों का? तो मैं कहूंगा बिल्कुल। जैसे आप में से किसी का नाम सुमित होगा, किसी का अभिनव, किसी का सत्यम, है ना। तो क्या अभिनव, सत्यम, सुमित सिर्फ आपके ही नाम है? और के भी तो हो सकते हैं ना, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके नेम होते हैं। तो सेम ऐसे ही जो हमारे एनिमल्स होते हैं इनमें जरूरी नहीं है कि आप इनके सबके ही अलग अलग नेम डिफाइन करेंगे, सेम भी हो सकते हैं। जो डॉल्फिन होती है उसके बेबी को भी हम क्या कहेंगे? काफ। नेक्स्ट वन इज द फिश। ठीक है, ये फिश है, जो फिश का बेबी होता है उसे क्या कहते हैं? फ्राई। क्या कहते हैं? फ्राई। देखिए वैसे ये पिक यहाँ पे गलत शो हो रही है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको ये दिखा रखा है कि फिश को फ्राई कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको फिश का मतलब आप छोटा वो दिखा सकते हैं कि छोटी फिश, है ना, जो आपकी बेबी फिश होती है, वो जो फिश के आपके क्या होते हैं? बेबी होता है, राइट। नेक्स्ट एनिमल इज द जिराफ। अच्छा ये बताइए किस किस ने रियल में देखा है जिराफ? अपने जू में या फिर कभी, क्या रियल में कभी सीन किया है जिराफ को? चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ठीक है, देखिए जो जिराफ होता है ये आपको पता है हमारी अर्थ के ऊपर सबसे टॉलेस्ट एनिमल होता है, राइट। जो जिराफ होता है, जिराफ के यंग वन को हम क्या कहते हैं? काफ। क्या कहा जाता है? काफ। ओके, नेक्स्ट एनिमल इज द मंकी। ओके, तो मंकी यंग वन इज द इन्फेंट। देखिए ह्यूमन बींग्स के जो बेबी होता है उसे भी हम इन्फेंट कहते हैं, मंकी के जो बेबी होता है उसको इन्फेंट कहते हैं, गोरिला ऑल्सो इन्फेंट, राइट। नेक्स्ट है आउल। आउल, आपने देखा भी होगा शायद आउल को कभी रियल में, देखा नहीं देखा, बट रेयर ही स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने रियल में आउल को देखा है। पता आपको आउल की, इसे नॉक्टर्नल भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये आपके कहते हैं कि ये दिन जो आपके डे टाइम होता है उस टाइम आपके बाहर नहीं आते हैं, ये आपके नाइट टाइम ही एक्टिव होते हैं, और ये अपनी जो इनकी गर्दन होती है ये इसको फुल टू फुल टर्न कर लेते हैं। ठीक, जैसे हम अपनी गर्दन सिर्फ 180 डिग्री इधर या फिर इधर इतना ही देख सकते हैं, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो हम सिर्फ इतना इतना सीन कर सकते हैं, बट कहते हैं आउल बिल्कुल पीछे भी आपको देख सकते हैं, बिल्कुल आपकी गर्दन पीछे मूव करके, लाइक पैरट की तरह, है ना। तो जो आउल होता है, आउल के जो यंग वन होते हैं या बेबी होता है उसे कहते हैं आउलेट। क्या कहते हैं? आउलेट। नेक्स्ट पांडा। ओके, पांडा ये इंडिया में तो नहीं होते हैं, ठीक है, इंडिया में हमें नहीं मिलते पांडा के जो यंग वंस होते हैं, इन्हें कब कहते हैं? ये बिल्कुल टेडी बियर की तरह लगते हैं, ठीक है, आप मतलब डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि टेडी बियर है या क्या है। ठीक है, जो पांडा का यंग वन होता है ना, जो पांडा के बेबी होते हैं, अगर उनको बहुत सारे टेडी बियर्स के बीच में रख दिया जाए, आपको पता है जो टेडी बियर का कॉन्सेप्ट है पांडा के ही थ्रू आया है ना। तो जो पांडा होता है ये कैसा होता है? बिल्कुल एज ए लाइक टेडी बियर। नेक्स्ट वन कैमल। कैमल को पता है आपको, ये आपका डेजर्ट में होते हैं आपके कैमल्स, है ना, डेजर्ट आपके मोस्टली राजस्थान इन इंडिया। ओके, तो जो कैमल होता है, कैमल के जो यंग वंस होते हैं उसे कहते हैं काफ। कैमल के यंग वन को क्या कहेंगे हम? काफ। नेक्स्ट वन इज द डोंकी। ओके, डोंकी, डोंकी का जो यंग वन होता है वो होता है फोल। ठीक है, डोंकी के यंग वन को क्या कहेंगे? फोल। एंड आपको पता है डोंकी काफी ज्यादा हार्ड वर्क करता है ना, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करवाया जाता है डोंकी से। तो अगर हम किसी किसी को एज ए
चिढ़ाने के लिए, टीज करने के लिए बोलते हैं, यू फूल यू डोंकी, राइट? किस लिए? क्योंकि उनको कोई वर्क नहीं आता। नेक्स्ट वन इज द हॉर्स। ठीक है, आप सब ने हॉर्स को रियल में देखा भी होगा एंड हॉर्स राइडिंग भी की होगी। जो हॉर्स होता है, हॉर्स का जो बेबी होता है उसे हम कहते हैं फोल। डोंकी के बेबी को भी फोल कहा जाता है, हॉर्स के बेबी को भी फोल कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज द फॉक्स। ठीक है, फॉक्स हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? लोमड़ी, है ना? कहते हैं कि फॉक्स काफ़ी ज़्यादा क्लेवर होती है। जो कोई क्लेवर होते हैं, लाइक हमारे ग्रुप सर्कल हो, अगर आपका फ्रेंडशिप सर्कल है, आपके स्टूडेंट्स है काफ़ी सारे, तो कई कई बड़े क्लेवर होते हैं। क्लेवर मतलब चालाक होते हैं, है ना? तो उसको हम कंपेयर करते हैं फॉक्स से। तो फॉक्स कैसी होती है? बहुत ही क्लेवर। तो जो फॉक्स का बेबी होता है वो होता है कब या किट। क्या होता है? कब या किट। नेक्स्ट है आपकी गोट। गोट मतलब बकरी, है ना? गोट तो सभी ने सीन किया, देखा है। जो गोट के यंग वन होते हैं उसे कहते हैं किड। गोट के यंग वन को क्या कहा जाता है? किड। नेक्स्ट इज द रैबिट। अच्छा, आपने से रैबिट रियल में किस किस में देखा है ये बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में पहले मुझे बताइए, रैबिट को रियल में। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग कार्टून में या फिर कभी मूवीज में, टीवी में, रियल में मतलब किसी ने टच किया हो, देखा हो रैबिट को। तो रैबिट का जो यंग वन होता है वो होता है बनी। रैबिट के यंग वन को क्या कहते हैं? बनी, है ना? नेक्स्ट, ये आगे ऐप, इनको कह रहा हूँ मैं, ये है हमारे, आप कह सकते हो कौन से दादाजी, जो भी आप रिलेशन में लगाओ, पर दादाजी, है ना? जो होते हैं ना ऊपर 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 ऐसे। तो जो वो था ना आपका चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो चार्ल्स डार्विन बताते हैं कि हम इन्हीं के एंसेस्टर हैं, इन्हीं के पूर्वज हैं, हम पहले ऐसे हुआ करते थे। ठीक है, जब हम बच्चे थे तो कैसे थे? ऐसे। दिख रहे हैं आपको ये फोटो में, ये बेबी है इसका, ऐप का। ठीक है, ऐप क्या होते हैं? वनमानुष। ये रहे, ये बिल्कुल इंसानों की तरह ही है। देखो आप, अगर इनको देखोगे ऐसे लगे कोई बूढ़े हैं बस बैठे हैं, बट ये तो यंग ही है, वैसे बूढ़े नहीं है, बट ये ऐप होते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट वन इज द बुल। ये आपकी कैटेगरी में आते हैं, जो आपके कैटल एनिमल्स होते हैं, है ना? जो कैटल एनिमल्स होते हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं। बुल के यंग वन को कहते हैं काफ। नेक्स्ट वन इज द रैट। रैट के जो यंग वंस होते हैं उसे कहते हैं पप। क्या कहते हैं? पप। देखिए ये है रैट, रैट चूहा, है ना? ये तो आपने सबने देखा होगा रैट। लेकिन जो इनके बेबी है, क्या आपने ये देखे कभी सीन किए इनके कैसे होते हैं? लाइट पिंक कलर के, है ना? जो बेबी पिंक कलर होता है, इस कलर के आपके इनके बेबी होते हैं, किसके? रैट के। नेक्स्ट वन इज द गूज। गूज यंग वन इज द गॉसलिंग। ओके, जो गूज का यंग वन है वो क्या है? गॉसलिंग। क्या है गूज? एक प्रकार का आपका डक की ही स्पीसीज में है। ओके, जो आपके वाटर एनिमल्स बर्ड्स होते हैं उन्हीं की स्पीसीज में है, एंड इनके यंग वन को हम कहते हैं गॉसलिंग। नेक्स्ट वन इज द क्रोकोडाइल। ठीक है, तो क्रोकोडाइल एंड ईगल, जो ईगल होती है, ईगल के यंग वन को कहते हैं ईगलेट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो आप ये लिख लेंगे ईगल। क्या लिखेंगे? ईगल। ओके, अभी क्रोकोडाइल को मत देखिए, अभी आप सिर्फ ईगल को देखिए। तो ईगल का जो यंग वंस होता है, ईगल के यंग वन को हम क्या कहेंगे? ईगलेट। ओके, ईगल क्या होती है पता ना आप सबको? एक बर्ड होता है काफी खतरनाक। नेक्स्ट आपका फ्रॉग। फ्रॉग आपको पता है सबको, मेंढक, जिसे मेंढक कहते हैं। ये खासकर हमारे मॉनसून टाइम के अंदर काफ़ी एक्टिव होते हैं, काफ़ी शोर मचाते हैं। जो आपके फ्रॉग होते हैं जिन्हें मेंढक कहते हैं, इनके जो यंग बंस होते हैं इसे कहते हैं टेडपोल। क्या कहते हैं? टेडपोल। ठीक है, देखिए पहले ऐसे ऐसे होते हैं कुछ, लाइक कैसे स्ट्रक्चर है इनका, देन धीरे धीरे ये कैसे से बन जाते हैं, है ना? नेक्स्ट वन इज द टाइगर। टाइगर के बेबी को कब कहते हैं? ये तो आपको सबको ही पता है। एंड हमारे इंडिया का जो नेशनल एनिमल है वो है द बंगाल टाइगर। क्या है? द बंगाल टाइगर। नेक्स्ट वुल्फ। ठीक है, वुल्फ इन हिंदी इसे कहते हैं भेड़िया। क्या कहते हैं? भेड़िया। जो वुल्फ होता है, वुल्फ के यंग वन को हम कहेंगे पप। क्या कहेंगे? पप। ये आपको पता है डॉग फैमिली से रिलेट है, जो वुल्फ है वो डॉग फैमिली से रिलेट है। देखिए इसका जो बेबी है बिल्कुल लाइक पपी की तरह लग रहा है ना? तो इनके यंग वन को भी पप कह रहे हैं। नेक्स्ट लॉयन। जो लॉयन के यंग वंस होते हैं वो होते हैं कब। क्या होता है लॉयन के यंग वन को? क्या कहेंगे हम? कब। ओके,
ज्वाइन किए गए उसको कब। नेक्स्ट स्वान, स्वान इसे हम हिंदी में कहते हैं हंस, क्या कहते हैं हंस, ठीक है। ये काफी एक बहुत ही आप ये कह सकते हो अट्रैक्टिव बर्ड होता है, ठीक। इसके जो यंग वंस होते हैं उसे कहते हैं सिगनेट, क्या कहते हैं सिगनेट। ये देखिए सेम इसी की तरह ही है, थोड़े दिनों बाद इसकी भी जो नेक है वो काफी क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट वन हेयर, ठीक है। हेयर ये आपकी एक रैबिट की ही स्पीसीज है, ठीक है हेयर, और इसके जो यंग वंस होते हैं इसे कहते हैं लीवर्ट, ठीक है लीवरेट। नेक्स्ट वन इज द कैंगरू, ठीक है। इसे हम कंगारू कहते हैं इन इंग्लिश, कैंगरू, ठीक है। कंगारू जो होता है उसके जो यंग वंस होते हैं उसे क्या कहा जाता है, जॉय, क्या कहा जाता है जॉय। देखिए छोटा कंगारू है ना, आपको पता है अगर आप प्रीवियस ईयर अगर अपना पेपर चेक करेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो उनमें आपसे पूछा भी गया है कि व्हाट इज द यंग वन ऑफ कैंगरू, इसका पूछा गया है, पता आपको। आप चेक कीजिएगा अपना प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको पता लगेगा कैंगरू का आपसे यंग वंस पूछा गया है, ठीक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट सारे ही आपको सभी लर्न करने हैं, डेली 10-10 लर्न करेंगे आपको लर्न ईजिली हो जाएंगे, है ना। ये इतने टफ नहीं है जितने आप सोच रहे हो। कुछ आपको कंफ्यूजिंग जरूर हो सकती है कि किसको किस में क्या करें, है ना किधर करें, तो इसके लिए ट्रिक वही है क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। और मैंने आपको जैसे कि बताया स्टैटिक जीके के जो भी आपके मैं पोर्शंस करवा रहा हूँ वो आपको डेली 5-10 कितने ही लर्न करने। अगर आप स्टूडेंट्स कभी सोचते हो कि ये तो काफ़ी जी हम एक ही दिन में लर्न कर लेंगे तो ऐसे नहीं करना, ठीक है, ऐसे कोई भी नहीं करेगा। फिर आपको कैसे लर्न करने हैं, ये आपको ईच डे ओनली 5 या फिर अदरवाइज 10, 10 से अबव नहीं करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज द स्नेक, ओके। नेक्स्ट वन इज द स्नेक, स्नेक यंग वंस इज द स्नेकलेट एंड नियोनेट। जो स्नेक के यंग वंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्नेकलेट। स्नेक आपने देखा क्या, रियल में स्नेक देखा किसी ने आपने, ठीक है, जू में या फिर किसी के नियर बाय प्लॉट में, फील्ड में, कहीं भी आपके एरिया में। तो स्नेक के आपके जो यंग वंस होते हैं वो होते हैं स्नेकलेट। द अदर वन इज द बटरफ्लाई, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव, आई थिंक सभी को पसंद भी होती है बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई के आपके यंग वंस होते हैं उसे हम कहते हैं कैटरपिलर और अ लार्वा, क्या कहते हैं, कैटरपिलर और अ लार्वा। देखिए विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, आप सभी के घर में कॉलीफ्लावर, कैबेज, पी, है ना, लाइक मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये वेजिटेबल्स आनी स्टार्ट हो गई है। जब भी इन सब्जियों में जब भी आप कट करते हो कभी ना कभी तो एक ना एक दिन तो कैटरपिलर आपका निकलता ही है, होते ना बहुत ही क्यूट से ये आपके इंसेक्ट होते हैं, काफ़ी ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी से, ये रहा कैटरपिलर। तो देखिए जो कैटरपिलर होते हैं इनकी स्टेज होती है, इनकी ये फर्स्ट स्टेज है, ये कैटरपिलर की कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज इनकी होती है ककून, क्या होती है, ककून। ये अपने आप में ऐसे गोल से बन जाते हैं और बॉल सी बन जाती है, देन समटाइम बाद वो बॉल सी आपकी टीयर होती है, फटती है, उसके बाद आपका क्या निकलता है इसके अंदर से, आपकी बटरफ्लाई। नेक्स्ट वन इज द चीता, ओके। आप सभी को पता है इंडिया के अंदर चीता अभी लाए गए थे कहाँ से, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, राइट। आप सबको पता, आई थिंक अगर आप न्यूज या फिर करंट अफेयर आपने देखा होगा तो नामीबिया से इंडिया के अंदर अभी चीता लाए गए थे। जो चीता का यंग वन होता है उसे हम कहते हैं कब, क्या कहते हैं, कब। और आपको पता है ये अर्थ के ऊपर फास्टेस्ट एनिमल है अभी तक, मतलब इससे ज़्यादा फास्ट अभी तक कोई भी नहीं है, किससे, चीता से। नेक्स्ट लेपर्ड, ठीक है, लेपर्ड ये कैट फैमिली के हैं सभी, ठीक है, टाइगर, चीता, लॉयन, लेपर्ड एंड जो भी आपके बाकी बच गए, है ना, ब्लैक पैंथर। तो जो लेपर्ड होता है, लेपर्ड को हम हिंदी में कहते हैं तेंदुआ, क्या कहते हैं, तेंदुआ। ये आपके उत्तराखंड और ये जो आपके हिली एरिया यहाँ पर मोस्टली आपके फाउंड होते हैं। लेपर्ड के जो यंग वन होता है उसे कहते हैं कब, क्या बोला जाता है, कब, ओके। नेक्स्ट वन इज द बफेलो, ठीक है, बफेलो तो सबने ही देखी आई थिंक, है ना, ये देखो बफेलो का बच्चा। तो बफेलो के बेबी को क्या कहते हैं हम, काफ। बफेलो के यंग वंस को क्या कहते हैं, काफ। नेक्स्ट इज द पैरट, ठीक है, मैंने आपको बताया जैसे कि पैरट भी अपनी नेक को टर्न कर लेता है, है ना। पैरट का जो आपका यंग वंस होता है वो होता है चिक, क्या होता है, चिक। देखिए कैसा सा, है ना, धीरे धीरे इसके बाद में इसके ये जो हेयर होते हैं ये रिमूव होते हैं, देन ये इन द ग्रीन कलर के अंदर ये हो जाता है, रेड कलर की इसकी बिक होती है, है ना, पैरट। नेक्स्ट वन इज द बैट, ओके। बैट ये काफी स्कैरी होता है ना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, चमगादड़, ओके। तो
जो बैट होता है, जो बैट के यंग वंस होते हैं, बैट के यंग वंस को कहा जाता है पप। क्या बोलते हैं? पप। ओके, ये आप देख सकते हैं कैसा इसका यंग वंस है, बहुत ही फ्लफी टाइप का। नेक्स्ट ऑक्स। ओके, जो ऑक्स के यंग वंस होते हैं उसे कहते हैं काफ। टर्टल, टर्टल आप सबको पता है, जिसे हम कहते हैं कछुआ, है ना। ये काफी स्लो स्लो चलते हैं, इनके ऊपर शेल होती है जिससे ये इनको प्रोटेक्शन मिलती है। टर्टल के यंग वन को कहते हैं हैचलिंग। क्या कहते हैं? हैचलिंग। शार्क, ठीक है। शार्क ये एक ऐसा एनिमल जिससे एवरी ईयर आपके मोस्टली पीपल डाई होते हैं ड्यू टू शार्क बाइट। ओके, शार्क के जो यंग वन होते हैं उसे कहते हैं पप। शार्क के यंग वन को क्या कहेंगे? पप। पीजन, ओके, तो दिस इज द पीजन। ये तो जो भी आप सिटी में रहते हैं, शहरों में रहते हैं या फिर किसी भी जगह रहते हैं, पीजन आपको हर जगह मिल सकते हैं, ये दिख जाएंगे। पीजन के यंग वंस को हम कहते हैं स्क्वैड। क्या कहते हैं? स्क्वैड। ये आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है, पीजन, ठीक है। ये पीजन के यंग वंस देखो कैसे है ना, ब्लैक ब्लैक से। राइनो, ठीक है, ये राइनोसोर्स होता है, आप सबको पता है, ठीक है। राइनोसोर्स ये आपके सबसे ज्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क में फाउंड होते हैं। कहाँ होते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क? असम। बिकॉज ये वन हॉर्न राइनो है ना। जो वन हॉर्न राइनो होते हैं ये सिर्फ आपके इंडिया में ही फाउंड होते हैं, और इंडिया में भी कहाँ? सिर्फ आपके असम। जो राइनो का यंग वन होता है उसे हम कहते हैं काफ। क्या कहते हैं? काफ। ओके, नेक्स्ट वन इज द वेल। वेल आपकी अर्थ के ऊपर अभी तक का लार्जेस्ट क्रिएचर है ये, ठीक है। ये सबसे बड़ा मैमल है, वेल कहते हैं, बहुत 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 ज्यादा बड़ी होती है। जो वेल का यंग वन होता है उसे कहते हैं काफ। क्या कहते हैं? काफ। ये देखिए, इसका यंग वन ही इतना बड़ा है, तो सोचिए खुद कितनी बड़ी होगी। जेब्रा, एंड जेब्रा आप सबको पता है ये इंडिया में फाउंड नहीं होते हैं, ठीक है, इंडिया में नहीं पाए जाते जेब्रा। जेब्रा आपके मोस्टली फाउंड होते हैं अफ्रीका के अंदर। एंड जो जेब्रा के यंग वंस होते हैं उसे हम कहते हैं फॉल। क्या कहा जाता है इसको? फॉल, राइट। नेक्स्ट वन इज द ऑस्ट्रिच। ओके, ऑस्ट्रिच ये आपको पता है वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड है ना। ऑस्ट्रिच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड एंड दिस ऑल्सो फास्टेस्ट बट कैन फ्लाई है ना। ये आपका फ्लाई नहीं कर सकता। इसका जो एग होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, सबसे लार्जेस्ट एग ही ऑस्ट्रिच का होता है। एंड ये आपका लार्जेस्ट बर्ड है। ऑस्ट्रिच के जो बेबी होते हैं, यंग वंस होते हैं, उसे कहते हैं चिक। क्या कहा जाता है? चिक। नेक्स्ट वन इज द तुर्के। ओके, तुर्के, जो तुर्के होता है ये भी एक बर्ड होता है। ओके, इसके जो बर्ड्स के जो आपके तुर्के बर्ड है, जो इसके यंग वंस होते हैं उसे कहते हैं फॉल्ट। क्या कहा जाता है? फॉल्ट। नेक्स्ट हॉक। हॉक होता है आपका बाज, ठीक है। ये क्या होता है? बाज, वल्चर टाइप आपका। एंड इसका जो यंग वंस होता है, इसके यंग वंस को कहते हैं हम यास। क्या बोला जाता है इसके यंग वंस को? यास, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज द पिकॉक। ओके, पिकॉक इज द नेशनल एनिमल, सॉरी नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। तो जो पिकॉक होते हैं, पिकॉक के यंग वंस को कहते हैं पी चिक। क्या बोला जाता है? पी चिक। देखिए कैसा है अभी छोटा, देन जब बड़ा हो जाएगा तो इतना कलरफुल एंड काफी सारा अट्रैक्टिव बर्ड, राइट। नेक्स्ट इज द आंट। ये आंट आप सभी जानते हैं, सभी ने देखी भी होगी आंट को। जो आंट होती है, आंट के यंग वन को हम कहते हैं एंटलिंग। क्या कहा जाता है? एंटलिंग। ये देखिए, ये रही एंटलिंग आपकी, और ये मदर आंट है ना। नेक्स्ट वन इज द बी। बी ये आपने देखी भी होगी, किसी को काटी भी होगी शायद, है ना। इसे हम हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी। जो बी होता है, बी के यंग वंस को कहा जाता है लार्वा। क्या होता है? लार्वा, राइट। डव, ये देखिए, ये होता है डव। वैसे ये पिजन की ही कैटेगरी में है, बट ये इन व्हाइट कलर में होता है। कैसा होता है ये? व्हाइट कलर में। तो जो डव होता है, डव के यंग वंस को कहा जाता है स्क्वैब। डव के यंग वंस को क्या कहेंगे? स्क्वैब। और डव पता है आप सभी को, जैसे विंटर स्टार्ट हो गया तो विंटर में आपको मोस्टली एक ऐड देखने को मिल जाएगा, एडवर्टीजमेंट, डव सोप। डव की सोप होती है ना, साबुन आती है, डव के शैम्पू, बॉडी लोशन, सोन, जो सोन,
तो उसपे भी आप देखेंगे कि इसी की पिक आपको दिखाई देती है, किसकी, डव की। एंड नेक्स्ट वन इज द कोला, ठीक है, कोला, इसका भी जो यंग वन होता है वो होता है जॉय, ये भी काफी टेडी बियर लुक लाइक है आपका, है ना, दिखने में। ये भी क्या होता है, जॉय, आपको पता होना चाहिए। कैंगरू जो कंगारू होता है उसके भी यंग वन को जॉय कहते हैं, एंड कोला को भी यंग वन के जॉय कहते हैं। एंड ये आपकी पीपीटी कंप्लीट होती है, ये वाला टॉपिक हमारा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आप सभी का होमवर्क ये रहेगा, आप सबके पास बुक है ना, बुक प्रोवाइड करवा रखी है, उस बुक के अंदर जो भी आपके एक्स्ट्रा एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो भी यंग वन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप सभी इसको करेंगे। ओके, तो चलिए तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद। ओके, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है मुझे। तो इस तरह से जब आपको नंबर दिखे ना, सबसे पहले सबके डिजिट्स को काउंट कर लेना है ना, डिजिट्स को काउंट करके क्या सेम है कि अलग अलग है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
फाइव से हम नहीं पता लगा सकते। उसके बाद देखें या हम चाहे तो ऑप्शन से सब क्वेश्चन को करें तो ज्यादा इजी लगेगा, है ना, इजी हमें ऑप्शन से करने में ज्यादा आसान पड़ेगा, बाकी चलो हम ऐसे ही कर लेते हैं। उसके बाद सेवन देखे बच्चे, यहाँ सेवन, यहाँ सेवन, यहाँ सेवन, यहाँ सेवन, सेवन से भी नहीं पता लगा रहा है, मैंने सेवन को भी एलिमिनेट कर दिया, सेवन को भी मैंने क्या कर दिया। उसके बाद है थ्री टू, थ्री टू, ओके, यानी थ्री 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 वाला तो क्या है बेटा बड़ा है ना, टू वाला चेक करेंगे तो टू वाला इधर एक टू ये रहा और एक टू ये रहा। अब टू के बाद क्या है इधर सिक्स है बच्चे, तो टू के बाद इधर क्या है फोर है, ये बताओ छोटा कौन सा हुआ, 24 हुआ कि 26 हुआ, आप बोलोगे 24, यानी ये वाला नंबर पहले आएगा 57 2408, ये नंबर पहले आएगा, ठीक है, सबसे पहले ये नंबर आएगा। देख चेक कर लो कौन से ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन खराब हो गया, गलत हो गया, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद यानी ये भाई बाहर हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब क्या करते, इसके बाद कौन सा आएगा, दूसरा नंबर आएगा टू वाला, कौन सा था ये आता, ये है आपका 5 7 2 6 8 5। अब ये देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन में है 5 7 2 6 8 5, इसमें नहीं है ना, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये दो ऑप्शन बच गया, ठीक है। उसके बाद अब हम चेक करते हैं, अब अगर हम यहीं पर चेक करके बचे तो देखो 5 7 5 7 3 4 3 9, कोई 39 छोटा होता है कि 34 छोटा होता है, आप कहोगे सर 34 छोटा होता है ना बच्चे, तो यानी यही वाला आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन है, डी आंसर नहीं होगा, बाकी आप यहां सर भी यहां से भी चेक कर सकते हो। चेक करो कौन कौन सा एलिमेंट हो गया था, टू वाला, ये भी एलिमेंट हो गया था, अब हमारे पास ये था यहाँ 3 4, यहाँ पर 3 9, छोटा कौन सा 3 4 वाला है ना, ये वाला आ जाएगा, आ जाएगा आपका 5 7 3 4 6 9, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद लास्ट में कौन सा आ जाएगा, बस ये कौन सा, ये है 5 7 3 9 2 7, सी ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अरे तो फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर से बढ़ते हुए क्रम में ही हमें लगाना है, देखो सब में अगर देखो 6 डिजिट है ना, तो जब डिजिट सेम हो बच्चे तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है, हम सीधा ही क्या करते हैं बच्चे, हम कॉमन चेक करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, पहले सबसे छोटा फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, इस तरीके से चलता है ना। तो यहाँ पर 743 743 743 743 743 खत्म, 743 743 743 743। उसके बाद क्या आएगा, अब 8 8 के बाद 6 है, नहीं बच्चे पहले 6 उसके बाद क्या रहेगा 9, उसके बाद है 864, यहाँ पर क्या हो गया 629 629 है, क्या है 629, ठीक है, तो 629 का नंबर बच्चे ये रहा, आप हो गए 7 4 7 4 3 6 2 9, ये हो गया
इसके बाद कौन सा नंबर है आपको ये आएगा 654। क्या है बच्चे 654। 654 कौन सा है, ये 7 4 3 6 ये 7 4 3 8 6 4 है ना, 3 8 ये हो गया। और लास्ट कौन सा बच गया आपके पास, 9 6 2 यानी 7 4 3 9। देख लो कौन सा ऑप्शन में बन रहा है, 7 4 3 6 2 9 7 4 3 6 5 4 7 4 3 8 6 4 यानी ए ऑप्शन भी इसका आंसर हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, घटते हुए क्रम में लगाना है, यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, किस तरीके से चलेगा। तो आप चेक कर लो, सबसे पहले कॉमन चेक कर लेते हैं, कॉमन क्या है यहाँ 87 87 87 87 गया 3 ले लें ना, हटाओ कॉमन है इससे हमें नहीं। अरे डिजिट को काउंट करें, डिजिट सेम है कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 उसके बाद क्या है 54 वाला कौन सा है, इसमें है इसमें नहीं है, यानी ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन के बाद। Arrange the following number in descending order. Descending order फिर से लगाया, अरे डिजिट काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे है ना, जब डिजिट सेम है तो 26 सब में है, 263 सब में है, तो 263 को हटा दो, 263 को सब में से हटा दो, 8 भी है क्या सब में, 8 भी सब में कॉमन है, 8 भी खत्म हो जाएगा, 8 भी क्या वो खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 75 बच गया, और हमारे पास क्या बच गया, 40 बच गया, और हमारे पास क्या बच गया, 95 बच गया, और हमारे पास क्या बच गया, 38 बच गया। अब हमें क्या लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा, दो ऑप्शन है 95 95। अब चेक करेंगे 95 के बाद क्या आएगा बच्चे, सेकंड पे कौन सा आएगा आपका, 75 आएगा, 75 वाला कौन सा ऑप्शन गया दूसरे नंबर पे। Arrange the following numbers in descending order. अब descending का मतलब क्या होता है? Descending का मतलब सबसे पहले बड़ा, बड़े के बाद उसे छोटा, then उसके बाद क्या होता है? ये ज़्यादा थोड़ा बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा बड़ा जितने छोटा, फिर उससे भी छोटा और फिर सबसे छोटा, ऐसे करें, है ना? Descending का मतलब क्या होता है? Descending का मतलब होता है ना? Descending होता क्या? घटता हुआ। अब इसको कैसे करते हैं आप लोग? है ना? करने का सबसे आसान तरीका बता दूं, आप ना इसकी यूनिट डिजिट देखो। सबसे पहले वाले डिजिट भी देखो और क्या करो आप ये भी देखो कि इन सब में डिजिट इक्वल है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 देखिए सभी में क्या 6 डिजिट है। तो जब डिजिट आपके बराबर हो जाते तब आप क्या करेंगे, आप वन बाय वन डिजिट को देखिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 3 3 4 और 3, तो आपको पता लगा ना इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, इसमें सबसे बड़ा नंबर 4 वाला, 4 3 4 9 5 6 ये नंबर सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद आप जो नंबर बच गए उसमें क्या लिखा, 3 3 और 3, अभी तीनों में ही 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब तीनों भी एक जैसे हैं। तो उसके बाद वाला नंबर देखो, उसके बाद वाला नंबर कौन सा, उसके लिखा है 7, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 3, तो आपको समझ में आ गया ना। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, तो सर इसमें से बड़ा है 7 वाला, उसके बाद कौन सा आएगा, 3 7 4 0 5 2, ये दो नंबर आपको पता लग गए है ना। उसके बाद आप देखिए तो बच्चे ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका, ये वाला ऑप्शन चला गया, बच गया ये और ये। अब इन दोनों में दिमाग से देखिए क्या लिखा हुआ है, 345 स्टार्टिंग में, यहाँ लिखा है 320, कौन सा पहले आएगा, पहले आएगा 345 036, उसके बाद आ जाएगा 324 057। अब आप देखिए आराम से, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, 4 3 4 9 5 6 3 7 3 4 5 4 3 2 0 4 7, तो C4 क्या है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हिंदू अरेबिक सिस्टम में कितनी टोटल डिजिट्स को हम यूज कर रहे हैं, तो आप सबको पता है जितने भी नंबर बनते हैं 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल कितनी डिजिट्स हैं, ये टोटल है 10 डिजिट, दैट्स व्हाई द 10 इज द राइट आंसर। अब आ जाओ डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी
डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ थ्री, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय थ्री, डिविजिबल बाय थ्री। इसको करने का सबसे आसान तरीके मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। जो नंबर आपने लिखा 763 उसकी जगह पे स्टार और फोर और ये फाइव, आप क्या करिए, आप इसमें से जितने भी थ्री के मल्टीपल बनते हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। जैसे अगर आप ध्यान दें बच्चों, ये थ्री, ये थ्री के टेबल में आता है कैंसिल हो गया, ये सिक्स टेबल में आता है ठीक है ये भी कैंसिल हो गया, ये फोर और फाइव ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं नाइन, और नाइन तो थ्री के टेबल में आता है ना इसलिए ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो अब क्या बचा, अब बचा है सेवन और उसके बाद बचा है स्टार। तो अब ये कह रहे हैं स्टार की जगह पे क्या वैल्यू कर दूं कि मैं थ्री से डिवाइड हो जाए, तो हम ये देखेंगे इन दोनों का सम करने पर भी क्या आना चाहिए, थ्री का मल्टीपल। देखो जैसा कि पहला ऑप्शन है जीरो, अगर हम बच्चों यहाँ पर सेवन की जगह जीरो रख दूँ तो क्या बनेगा, सेवन जीरो सेवनटी, क्योंकि डिजिटल सम कितना होगा, डिजिट का सम सेवन, लेकिन ये तो थ्री से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं टू रख दूँ, अगर मैं सेवन की जगह टू रख दूँ तो अगर कितना जगह मैं कि थ्री से डिवाइड हो जाएगा, ओके ये मैं चेक करते हैं सेवन की, अगर मैं स्टार्ट की जगह पर क्या रख दूँ एट तो क्या हो जाएगा फिफ्टीन, ये भी थ्री से डिवाइड होता है। तो क्या हम दोनों को आंसर करें, अच्छा वन को रख के देखते हैं, सेवन और वन को जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा एट हो जाएगा, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हम इन दोनों में से कौन सा रखें, तो आपको पता है ना बच्चों क्या पूछेगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, छोटी पॉसिबल वैल्यू जिससे ये क्या हो जाए थ्री से डिवाइड हो जाए। छोटी पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, टू, अगर मैं टू रखूंगा तो क्या बनेगा 72 और ये थ्री से डिवाइड हो जाता है। जितने भी नंबर थ्री के टेबल में सब कैंसिल कर दो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्योंकि थ्री के टेबल में आते हैं ये सेवन और ये टू नाइन, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। क्या मतलब फोर, क्या फोर थ्री के टेबल में आता है, और नहीं सर कैंसिल नहीं। इसको देखो थ्री जीरो एट सिक्स फाइव थ्री, थ्री आता है टेबल में कैंसिल, थ्री आता है टेबल में कैंसिल, और कौन कौन सा आता है सिक्स और फाइव इलेवन अभी भी, अच्छा सिक्स तो आता है कैंसिल कर दो, एट और फाइव बचा तो एट और फाइव को ऐड करो तो कितना हो जाएगा थर्टीन, नॉट कैंसिल ये भी नहीं हो। यहाँ देखिए जरा नाइन टू थ्री सिक्स फाइव फोर, इसको देखिए जरा नाइन आता है टेबल में कैंसिल, थ्री कैंसिल हो गया, सिक्स कैंसिल, फाइव और फोर नाइन ये भी कैंसिल होगा, क्या बचा टू, टू तो टेबल में नहीं आता टू भी कैंसिल नहीं हुआ, क्या बचा सेवन सिक्स फाइव फोर वन फोर, इसे देखिए जरा सिक्स कैंसिल हो गया थ्री के टेबल में आता है, अच्छा फाइव और फोर नाइन ये भी आते हैं कैंसिल हो गए, क्या बचा सेवन और वन एट और फोर ट्वेल्व, सेवन और वन एट और फोर ट्वेल्व ये थ्री के टेबल में आता है डिवाइड भी होता है, इसलिए क्या है थ्री से डिविजिबल, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। अब जो बच्चे होंगे थ्री के लिए होता है वही सेम होंगे किसके लिए होता है नाइन के लिए, तो सेम एज थ्री, सेम एज थ्री, बस आपको सम किसका देखना होता है, सम देखना मल्टीपल देखना होता है नाइन, मल्टीपल किसका देखते हैं नाइन का, जैसे हम थ्री के टेबल में देखते थे वैसे यहाँ पे नाइन के टेबल में देखते सिक्स सेवन सिक्स फोर थ्री एट फाइव, ऐसे नंबर जिसको ऐड करके या तो नाइन के टेबल में आ रहे या फिर नाइन से ही कैंसिल हुआ, तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, जैसे ये सिक्स और थ्री नाइन कैंसिल हो जाएगा, फोर और फाइव नाइन कैंसिल हो गया, अब बात करें सेवन और एट की तो क्या आ जाएगा फिफ्टीन, ये कैंसिल नहीं हो सकता, नाइन से कैंसिल नहीं हो सकता, नाइन से चेक करना है, इसको चेक करें थ्री सिक्स एट फाइव जीरो सेवन, ऐसा कोई नंबर है जो नाइन से कैंसिल होता दिख रहा है, वो यस सर सिक्स और थ्री नाइन कैंसिल हो गया, एट और फाइव थर्टीन, थर्टीन और सेवन कितना हो जाएगा ट्वेंटी, तो यहाँ पर क्या बचेगा ट्वेंटी बचेगा, ये भी नहीं होगा छोड़ है ना, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, इसको कैंसिल नहीं कर रहे ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्या जाएगा ट्वेंटी, इसको भी कैंसिल नहीं कर सकते, बचा फोर थ्री एट वन फाइव, अगर इसको देखिए आपको ऐसे नंबर देखने हैं जो नाइन से डिवाइड हो, जैसे अगर हम देखिए फाइव और ये फोर नाइन कैंसिल हो गया, एट और वन नाइन कैंसिल हो गया, थ्री और सिक्स नाइन कैंसिल हो गया, क्या मतलब कुछ भी जीरो, तो इसका मतलब यही क्या है नाइन से डिविजिबल, नाइन से डिविजिबल कौन सा है ना, नाइन से डिविजिबल क्या है बच्चे थ्री, यानी कि थर्ड ऑप्शन सी।
फोर। बच्चे फोर से डिवीजन कैसे चेक करते हैं? टेस्ट ऑफ फोर, टेस्ट ऑफ फोर। तो इसमें हम देखते हैं टू डिजिट, इसमें देखते हैं लास्ट टू डिजिट। क्या देखते हैं? लास्ट के टू डिजिट देखते हैं। जितने भी नंबर है इन सबके लास्ट के टू डिजिट नंबर देखते हैं। जैसे ये 42, इसका कितना है? 74। इसमें कितना है? 72। और इसमें कितना है? 62। इसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो फोर से डिवाइड हो जाए, और जो फोर से डिवाइड हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या होना चाहिए इसका? मतलब रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? जीरो। रिमाइंडर क्या होना चाहिए बच्चों? रिमाइंडर होना चाहिए जीरो। तो अब देखो ऐसी कौन सी कंडीशन है, क्या फोर से 42 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है? नहीं। इसको डिवाइड करने पर जीरो आएगा? नहीं। इसको करने पर आएगा? नहीं। इसको करने पर जरूर जीरो आएगा। तो इसलिए जिसको फोर से जब डिवाइड करते हैं लास्ट के टू डिजिट और आंसर बच्चे जीरो आ जाए, तो इसका मतलब वही आंसर होता है बेटा, सी। सी फोर कटप्पा इज द राइट आंसर। कहता है द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5, टेस्ट ऑफ 5, टेस्ट ऑफ 5। बच्चे कुछ बातें होती हैं छोटी छोटी, अगर आप लोग याद रखोगे तो बड़ा आसान होगा इसे करने में। टेस्ट ऑफ 5, कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड हो सकता है? जब उसकी यूनिट डिजिट, जब उसकी यूनिट डिजिट क्या हो? यूनिट डिजिट क्या हो बच्चों? या तो जीरो हो या फिर क्या हो? 5। तो ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जिसमें यूनिट डिजिट जीरो हो या 5 हो? देखो यहाँ पर क्या है? 4 नहीं हो सकता, यहाँ क्या है? 7 नहीं हो सकता, यहाँ क्या है? 8 कब नहीं हो सकता, यहाँ पर कितना? 5 हो सकता है। सर तो पहले ही देखिए तो उधर क्यों चले गए थे? बेटा उधर इसलिए चले गए थे, एक्सप्लेन नहीं करना होता है ना कि क्यों नहीं हुआ। देखो वहां पर यूनिट डिजिट क्या है? ना तो जीरो है ना 5 है, इसलिए वो सारे नंबर नहीं हो सकते, लेकिन ये जरूर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या है? क्लियर? भी जो था फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अब बच्चों याद रखो 6, अगर आपको टेस्ट ऑफ 6 देखना है, क्या देखना है? टेस्ट ऑफ 6। तो टेस्ट ऑफ 6 को करने के लिए आपको दो टेस्ट करने पड़ते हैं। एक करना पड़ता है टेस्ट ऑफ 2, एक करना पड़ता है टेस्ट ऑफ 2, और एक करना पड़ता है आपको टेस्ट ऑफ 3। आपको दोनों ही टेस्ट करने होते हैं, टेस्ट ऑफ 3 और टेस्ट ऑफ 2। और टेस्ट ऑफ 3, टेस्ट ऑफ 2 दोनों आपको पता है। टेस्ट ऑफ 2 में क्या देखते हैं? यूनिट डिजिट। इसमें हम क्या देखते हैं? टेस्ट ऑफ 2 में यूनिट डिजिट क्या क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। अच्छा टेस्ट ऑफ 3 में क्या देखते हैं? सम देखते हैं, सम ऑफ डिजिट। क्या देखते हैं? सम ऑफ डिजिट देखते हैं, यही देखते हैं ना। चलिए अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड तभी होगा जब वो 2 के टेस्ट को भी फॉलो करे और 3 के टेस्ट को भी फॉलो करे। तो आपसे पूछा गया नॉट, नॉट पूछेगा, इसका मतलब कोई नंबर ऐसा होगा जो 2 और 3 दोनों में से किसी एक को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो पहले 2 वाला चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या 2 से चेक करेंगे? 4, 0, 6 और 2, इसका मतलब सारे सारे नंबर किससे डिवाइडेड? 2 से। बेटा 2 वाला टेस्ट को देखो यहाँ भी ओके है, 2 वाला टेस्ट यहाँ भी ओके है, ये 2 वाला टेस्ट यहाँ भी ओके है और 2 वाला टेस्ट यहाँ भी। लेकिन जब हम 3 का टेस्ट करेंगे तो कैसे करते हैं? सारे डिजिट का सम करते हैं। जरा बताओ 4 और 3 7, 7 और 8 7, 15, 15 और 6 15 और 6 21, 21 और 6 21 और 6 क्या हो जाएगा बच्चे? देखो जरा फिर से एक बार कैलकुलेटर करके दिखाऊंगा। 4 और 3 7 और 8 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23, 23 और 4 27। बच्चे 27 आ रहा है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसको चेक करते हैं 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 10 16 और 10 26 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। और मैं आपको क्या बताऊंगा 6 से डिवाइड कब होगा? जब दोनों से ही डिवाइड हो जाए। आगे भी करके दिखा देता हूं, जरा इसको देखो 6 और 3 9 और 8 17 और 7 20, 24 24 और 3 27, 27 और 6 33। देखो ये भी डिवाइड हो जाएगा 3, इसको करके देखो 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 भी डिवाइड हो जाता, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक ही नंबर ऐसा है जो 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इट मींस यही आपका राइट आंसर होगा, बी विल बी द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अब 8 का पूछा है, सारे टेस्ट आप लोगों को दिखा याद करवा देंगे। जैसे क्वेश्चन 10 ऑफ 8,
बच्चे जैसे टेस्ट ऑफ फोर करते हैं वैसे ही टेस्ट ऑफ एट करते हैं। इसमें क्या देखते हैं, लास्ट थ्री दिन। अब लास्ट के कोई थ्री वीक ले लीजिए, जैसे जीरो 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 फोर को डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए। वन टू एट डिवाइड करिए एट से, एट फोर जीरो डिवाइड करिए एट से, और फिर क्या था टू सिक्स एट, इन सबको डिवाइड करिए एट से, जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाए। रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो, वही आपका एट से डिविजिबल होगा। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए जीरो। लेकिन आपसे तो पूछा गया नॉट जीरो, तो देखो इसमें जीरो नहीं आ, इसको डिवाइड करेंगे जीरो को डिवाइड करो वैसे भी जीरो ही आ रहा है, ये तो ओके है। इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, एट बन जा एट फोर एट एट सिक्स फोर जीरो, ये भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बन जाएगा जीरो, ये भी ओके है। अच्छा इसको डिवाइड करो तो सर ये तो वैसे ही दिख रहा है, एट बन जाए एट एट बन जाए फोर, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक कौन सा डी बेटा, डी फोर डी सारा विंटर आएगा। अब आते हैं 11 पे, तो बच्चों 11 का टेस्ट कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है आपसे, आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे टेस्ट ऑफ 11 पूछा जाएगा। तो टेस्ट ऑफ 11 हम कैसे करते हैं, टेस्ट ऑफ 11 को बच्चों कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑड डिजिट्स, सम ऑफ ऑड डिजिट्स ऑड प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ even place digit, sum of even place digit, अगर माइनस करने पे, अगर माइनस करने पे बच्चों क्या है, इनको माइनस करने पे दो चीजें बननी चाहिए, या तो जीरो, या तो क्या बने जीरो, या फिर बचे इलेवन, क्या बचे जीरो, या फिर क्या बचे इलेवन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इलेवन से डिवाइड हो सकता है। हम जरा चेक करते हैं इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है, जैसे एक नंबर लिखा मैंने लिखा फोर थ्री टू सिक्स फाइव, तो हम क्या करते हैं देखो पहले तो इवन वाले लेते हैं, इवन वाले कौन कौन से, एक ये रहा और एक ये रहा, और ओड वाले कौन कौन से हैं, एक ये और एक ये, इन सबका सम करते हैं, फोर टू एट और फाइव थर्टीन हो गया, थ्री और सिक्स नाइन और फोर कितना थर्टीन हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा जीरो, और अगर जीरो आ जाए या फिर इलेवन आ जाए तो उसका आंसर डिविजिबल है, यही क्या है आपका आंसर। Which of the following number is divisible by, which of the following number is divisible by 15, 10 of 15, बच्चों 15 को हम कैसे टेस्ट करते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए आपको दो टेस्ट करने पड़ेंगे, एक 3 का और एक 5 का, इसको चेक करने के लिए आपको क्या चेक करने पड़ेगा, 3 का और 5 का, तो 3 का आपको पता है कैसे चेक करते हैं, 3 को चेक करने के लिए करते हैं सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट, और फाइव को चेक करने के लिए क्या करते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए जीरो और फाइव, यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए जीरो हो या फिर फाइव हो, तो हम पहले जीरो फाइव वाले देख लेते यही आसान, ठीक है देखो यहाँ पर क्या जीरो फाइव से डिवाइड, फाइव फाइव से डिवाइड, फाइव फाइव से डिवाइड, और जीरो जीरो यानी फाइव से डिवाइड, फाइव वाले टेस्ट यहाँ भी ओके है, फाइव वाला टेस्ट यहाँ भी ओके है, फाइव वाला टेस्ट यहाँ भी ओके है, फाइव वाला टेस्ट यहाँ पे, बाकी कौन सा मतलब थ्री वाला टेस्ट, और जब थ्री का टेस्ट आप करोगे तो कैसे करते हैं सम ऑफ डिजिट्स इन सबको ऐड करो, फोर और थ्री सेवन और एट, सेवन और एट, सेवन और एट फिफ्टीन और सिक्स ट्वेंटी वन और फोर ट्वेंटी फाइव, ना देखो नहीं होगा थ्री का टेस्ट फेल हो गया, यहाँ करो थ्री और एट इलेवन, इलेवन और सिक्स सेवनटीन, सेवनटीन और फाइव ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू और सिक्स ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट और फाइव थर्टी थ्री, और 33 बच्चे डिवाइड हो जाता है 3 से, इसका मतलब ये 3 के भी टेस्ट को क्या करता है फोलो, तो यही आंसर होगा, बाकी वो नंबर चेक भी करके देख लेते हैं 7 और 2 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, देखो यहां पे 3 का टेस्ट क्या हो जाएगा फोलो नहीं होगा, ऐसे आप इसको भी चेक करोगे 3 का टेस्ट फोलो नहीं होगा, 3 और 5 का टेस्ट कहां-कहां फोलो हो रहा है बी ऑप्शन, इसका मतलब बी विल द राइट आंसर। क्या देखा है जो द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 25, अब इसमें 25 का टेस्ट है वैसे बहुत मुश्किल पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपके क्वेश्चन में है तो देखिए मैं बताता हूँ टेस्ट ऑफ 25 कैसे करते हैं हम लोग, टेस्ट ऑफ 25 कैसे करते हैं, इसमें लास्ट टू डिजिट लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं लास्ट टू डिजिट,
लास्ट टू डिजिट डिवीजन किससे होना चाहिए, 25 से, है ना। लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 25। अब लास्ट के टू डिजिट देख लीजिए, ये तो बच्चों डबल जीरो है, तो जीरो तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो ही जाता है, 75 डिवाइड हो जाएगा, 25 से 75 और 25 हो गया 50, बच गया क्या 45। ये 25 से डिफरेंस नहीं आता, यही आपका आंसर हो गया, डी विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कहता है 7 मंथ में 6 स्टार 4 6 इज डिविजिबल बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ स्टार, वही क्वेश्चन आया बच्चों फिर से, नंबर है 3176 स्टार 46। मैंने क्या बताया था, 9 से हम टेस्ट कैसे करते हैं, आपको उसकी जगह आपको डिजिटल सम करना होता है, डिजिट का सम कर दो, तो मैंने सबसे आसान तरीका क्या बताया, आप उसको ऐसे कर दो, पहले जितने भी 9 बना रहे हैं वो नंबर कैंसिल कर दो, तो 6 का पूरी 9 बना रहा था, अब मैंने कैंसिल कर दिया, और कौन कौन से नंबर नहीं बना रहे, अब नहीं बना रहे, जो नहीं बना रहे नंबर ऐड करो, 7 और 1 8 और 4 8 और 4 12 12 और 6 कितने बच्चों, 12 और 6 हो गए 18, 12 और 6 18 हो गए ना, और आप देखोगे 18 को क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, बच गया क्या खाली स्टार, तो अब स्टार की जगह पे कौन आ सकता है, इस स्टार की जगह पे 0 रखोगे तो भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, 9 रखोगे तो भी नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ये दोनों को सही करना होगा, दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए सी इसका आंसर होगा कि बोथ 0 एंड 9। और व्हाट वैल्यू ऑफ द स्टार द नंबर 6 4 3 1 8 7 इज डिविजिबल बाय 9, फिर से वही क्वेश्चन हो गया, 6 4 3 स्टार 1 8, क्या बताया मैंने, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जितने भी 9 बने पहले वो कैंसिल करो, देखो 9 कहां का बना, 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, 1 और 8 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4 7 और स्टार, 4 7 और स्टार, तो जब इनका सम करोगे तो क्या आ जाएगा 4 और 7 11, 11 प्लस में स्टार, अब इस स्टार की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 9 से डिवाइड हो जाए, 9 का टेबल बनाना पड़ेगा, तो 11 में अगर मैं 9 पुट करूं, 11 के साथ अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 20, बात नहीं बनेगी, अगर मैं 11 के साथ क्या पुट करता हूं 7, तो आंसर कितना जाएगा 18, 9 से डिवाइड हो सकता है, अगर मैं बात करूं 11 प्लस 5 तो आंसर हो जाएगा 16, डिवाइड नहीं होगा, अगर मैं देखूं 11 प्लस 3 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 14 आता है, इसलिए ए की आंसर होगा इसका ये वाला 7 वाला, 7 विल बी द राइट आंसर फॉर द स्टार। कहता है 763 स्टार 642 इज डिविजिबल बाय 11 द वैल्यू ऑफ स्टार इज, अब जो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आना चाहिए, तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे बताया था, कैसे बताया था आप लोगों को, जो ओल्ड नंबर पर होते हैं, जो ओल्ड नंबर पर होते हैं उन सबका सम किसके इक्वल होना चाहिए, जो इवन नंबर पे होते हैं, जो किस पे होते हैं इवन नंबर पे, जरा सम करें 7 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2, जब आप इनका सम करोगे तो कितना आना चाहिए, 7 और 3 10, 10 और 12 22, 10 और 8 18 हो गया, ये तो हो जाएगा 18। अच्छा बाकी इसका सम करो, ये तो हमने किसका सम किया, और का इनका सम करो, 6 का स्टार का और फिर क्या आ जाएगा 6 स्टार और 4, 6 प्लस स्टार और प्लस 4, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10 प्लस स्टार, 10 प्लस स्टार, और आपको मैंने बताया था 11 का टेस्ट कैसे होता है, 11 का टेस्ट कैसे होता है, वो ओड प्लेस और इवन प्लेस दोनों को माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11, तो अब देखो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0, और 0 कैसे मिलेगा, अगर मैं इस स्टार की जगह पे क्या पुट कर दूं, अगर मैं इस स्टार की जगह पे 8 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 10 और 8 18, 10 और प्लस क्या बन जाएगा 8 और कितना आ जाएगा 18, और देखो ये भी 18 और ये भी 18, तो 18 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 0, और 0 अगर आंसर आ जाए इसका मतलब 11 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, यानी कि 8। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्टार द नंबर 9658072 विल बी डिविजिबल बाय 11, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 9658 स्टार 072
है ना, क्या करेंगे डिजिट का सम करेंगे जो ऑड प्लेस पे है पहले और जो इवन प्लेस पे है, ठीक है। उसके लिए 9 का 5, 5 का स्टार, स्टार का 7, इन सबको ऐड करो। 9 प्लस 5 प्लस स्टार और प्लस 7, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 21 प्लस स्टार, 21 प्लस स्टार, और जब बाकी को ऐड करोगे तो 6 प्लस 8 और प्लस 6 प्लस 8 प्लस 0 और प्लस में 2, और जब आप इनको ऐड करोगे तो आपसे कितना आना चाहिए, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, क्या पहले थोड़ी देर पहले, या तो 0 बचेगा या फिर क्या बचेगा 11। अब ये आए कैसे, जरा ध्यान दो, अगर मैं स्टार्ट की जगह पे क्या रखूं 6 रख दूं, अगर मैं 21 के साथ स्टार्ट की जगह पे 6 रख दूं तो क्या बचेगा 27, 27 आएगा ना। अगर मैं 21 के साथ स्टार्ट की जगह पे क्या रख दूं 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 29। अगर मैं 21 के साथ क्या रख दूं 3 स्टार्ट की जगह पे तो कितना आ जाएगा 24। अगर मैं 21 के साथ स्टार्ट की जगह पे क्या रख दूं 9 रख दूं तो आंसर कितना आ जाएगा 30। ये वैल्यू आ रही है, लेकिन हमने क्या बताया, जो सम करके आता है और जो इसका सम होता है, या तो 0 बचेगा या फिर क्या बचेगा, क्या बचेगा 11। तो जरा देखिए किस में आपको 27 माइनस 16 करो तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अरे वाह, पहले के आंसर में एकदम यही सही आंसर है, 27 किस पर आया था, 6 तो बिल्कुल द राइट आंसर। कहता है नंबर इज डिविजिबल बाय 11 दैट द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ द डिजिट एट ऑड एंड इवन प्लेसेस रेस्पेक्टिवली। इवन क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होगा, एक पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 11, क्या 11 का मल्टीपल होगा, बस ओके नहीं सर, 11 का मल्टीपल तो होना जरूरी नहीं है, आइदर 0 और ये मल्टीपल ऑफ 7, क्या 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ओके नहीं सर, ये मल्टीपल ऑफ 3, भाई 3 के मल्टीपल का काम क्या है 11 से, ओके नहीं सर, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, देखो ये वाला आइदर 0 और ये मल्टीपल ऑफ 11, या तो 0 हो या फिर 11 का क्या हो मल्टीपल। व्हेन अ नंबर इज डिवाइड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर फॉर दिस रिमेन नंबर इज ऑफ द फॉर्म। अच्छा बच्चों आपको पता है रिमाइंडर को हमेशा कैसे लिखते हैं, रिमाइंडर को हम कैसे लिखते हैं, रिमाइंडर ना हमेशा प्लस में आता है, रिमाइंडर कैसा आता है हमेशा प्लस में, देखो इसके अंदर एक तो ये माइनस का है कैंसिल हो गया, ये भी माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया, लेकिन एक्चुअल में आप ये देखो रिमाइंडर है क्या, तो आप सर इसके अंदर रिमाइंडर कितना 4 है, रिमाइंडर कितना 4, तो वही प्लस में आएगा कि नहीं है, रिमाइंडर प्लस में आएगा ना, तो देखो रिमाइंडर तो यहाँ पर कहा है प्लस में 4, ये रहा एक ऑप्शन, यही आंसर ये गलत। अब ये होता कैसे मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से, जैसे 2 है, अगर मैं 2 से 17 को डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 2 8 16, और क्या आएगा प्लस में 1, लेकिन अगर मैं 17 को लिखना चाहूं, इस 17 को मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूं कि 2 की मल्टीप्लाई 8 से 2 8 16 और प्लस में 1, तभी तो 17 बनेगा ना, तभी तो 17 बनेगा। ध्यान से देखो ये 1 क्या था, ये 1 का रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमेशा किस में आता है प्लस में, रिमाइंडर किस में आता है हमेशा प्लस में, यहाँ भी रिमाइंडर 4 है वो भी प्लस में आएगा कि नहीं है, तो ये सर आएगा, तो माइनस वाले वैसे ही गलत हो गए और 4 जिसमें प्लस का है वही इसका राइट आंसर। इफ द नंबर 4 7 4 3 7 6 7 डिविजिबल बाय 2 देन द ग्रेटेस्ट नंबर। बच्चों मुझे एक बात बताओ, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, टेस्ट ऑफ 2, टेस्ट ऑफ 2 कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके यूनिट डिजिट पर क्या लिखा हो, जब उसके यूनिट डिजिट पर क्या लिखा हो, या तो वो 0 या वो 2 या वो 4 या वो 6 या फिर क्या हो 8, इन पांचों में से कोई एक हो, तो अब कहता है स्टार की जगह पर मैं क्या पुट कर दूं कि आंसर क्या हो जाए 2 से डिवाइड हो जाए। देखो अगर मैं 0 पुट करूंगा तो भी आंसर सही है, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो भी सही है, 8 को पुट करूंगा तो भी सही है, लेकिन 9 को पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 9 नहीं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या पूछा है, लेकिन उसमें क्या पूछा बच्चों, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो से 8 है, तो इसलिए 8 इसका आंसर, ठीक है। द नंबर 4388 डबल स्टार डिविजिबल बाय 3। अब डबल स्टार है और डिविजिबल है 3 से, तो आपसे पूछा है इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, 4388 और आपको डबल स्टार और स्टार, 3 का टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट ऑफ 3, टेस्ट ऑफ 3, तो टेस्ट ऑफ 3 के लिए आपको सबको पता है इसके लिए क्या देखते हैं, सम ऑफ डिजिट,
क्या लिखते हैं, सम ऑफ डिजिट, डिजिट का सम लिखते हैं। जरा डिजिट का सम देखिए, 4 और 3 7 और 8 15, 15 और 8 15 और 8 ना करा तो 15 और 8 हो गया 23। 23 और प्लस में दो स्टार है, 23 और प्लस में क्या है, दो स्टार है। इन दोनों स्टार की जगह पे क्या वैल्यू पुट करें, क्या आंसर आ जाए। जैसे अगर मैं 9 और 9 पुट करता हूँ, 9 प्लस 9 23 और 9 23 प्लस 9 प्लस 9 32 और प्लस 41। क्या ये 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। आगे देखिए 9 और 8 अगर मैं पुट कर दू, 9 प्लस 8 तो अगर इसको पुट कर दू तो आ जाएगा 40, ये भी डिवाइड नहीं होता। अगर मैं पुट कर दू 97, 23 प्लस 9 प्लस 7 तो आंसर कितना जाएगा 39, और ये 3 से डिवाइड होता है, होता है बच्चों, तो इसलिए यही आंसर होगा इसका, है ना। 33 39 होता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको देखो करके 23 प्लस 9 प्लस 6 करोगे तो 38 आ जाएगा, और ये भी क्या है, आंसर नहीं है। आंसर होगा बेटा ये वाला 9 और 7। The difference between the place value and the face value of 6 in the number 46831. अब मुझे बताओ, आपसे पूछा place value and face value of 6. एक number है 46831, और ये 6 है, इसकी face value क्या होगी, FV, यानी face value। किसी भी digit की face value वही digit होती है खुद, और किसी भी digit का face value, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू उस डिजिट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतनी जीरो के इक्वल। तो प्लेस वैल्यू हो गया ये, प्लेस वैल्यू हो गया ये, दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस। दोनों का पूछा है डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस कर दीजिए बड़े में से छोटे को, 5994 विल बी द राइट आंसर, 5994 विल बी द राइट आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7s इन द नंबर, अब आपको दे रखा है 2 7 है, 1 3 7 7 2, अभी दोनों 7 है, इन दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। इस वाले का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 1 2 3 0, और इस वाले का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 और 0। दोनों का क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो 7000 में से 70 को माइनस जब आप कर दोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6930, है ना, 6930, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। फॉर्म द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर बाय रिपीटिंग एनी टू एट द डिजिट, बच्चों सिक्स डिजिट के आपको नंबर बनाने हैं, लेकिन आपको डिजिट दी है 7 9 4 और 6। तो याद रखेंगे सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट बताओ, सबसे पहले इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, जितने आप नंबर बना सकते हो। तो आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 7 9 और 4, लेकिन इसमें डिजिट कितनी है, डिजिट है 4। आपको नंबर बनाना कितने हैं, 6 डिजिट का, तो कितनी डिजिट कम रहेगी, 2 डिजिट। तो बच्चे जितनी डिजिट कम रह जाती है थोड़ा सा गलत लिख दिया, ग्रेटेस्ट में कैसे लिखते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट में कैसे लिखते हैं, पहले बड़ी डिजिट उसके बाद से छोटी, देन उससे छोटी, एंड देन उससे भी छोटी, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दो, अगर आपको पूछा ग्रेटेस्ट और आपको डिजिट कम पड़ गई है तो आप क्या करो, आप उतनी ही डिजिट को पहले लिखो, और पहले लिखनी कौन सी डिजिट है, जो सबसे बड़ी है। तो इन सब में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 9 वाली, इसलिए 9 को ही हम दो बार और लिखो, क्योंकि यही लिखने से नंबर सबसे बड़ा होगा। और सबसे आसान तरीका अगर आपको बताऊं, इन सब में सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है, इन सब में सबसे बड़ा नंबर अगर आप देखो तो कौन सा है, 9 9 9 9। अच्छा इसमें बच्चों लेकिन एक गलती और है, अब अगर इसमें बैठे उसमें हमने क्या किया, रिपीट वन डिजिट, हमने केवल इसमें एक ही डिजिट को रिपीट किया, रिपीट वन डिजिट, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, रिपीट टू डिजिट। अगर टू डिजिट को रिपीट करेंगे तो दो डिजिट देखो किसमें रिपीट हो गए, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ, है ना। देखो यहाँ पर एक ही सिंगल है, यहाँ तो एक ही सिंगल है, लेकिन यहाँ पर दो डिजिट रिपीट हो तो रहे लेकिन छोटे छोटे, तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ये वाला होगा। दो बड़े बड़े जो डिजिट है वही तो रिपीट करेंगे ना, जो बड़े बड़े डिजिट है वही तो रिपीट करेंगे, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे सपोज करो आपका सिक्स 9 7 5 4, तो अब इसमें बड़ा कौन है, एक बार 9 पढ़ा है, एक बार इसे लिखेंगे 7 बड़ा, तो 7, इससे क्या हुआ, हमने रिपीट करे 2 डिजिट, हमने रिपीट की है 2 डिजिट।
लेटर देयर आर देयर सिंबल्स इन द रोमन नंबर। रोमन नंबर सिस्टम में कितने लेटर्स होते हैं? तो आप सभी को पता है आई होता है, आई होता है, उसके बाद बी होता है, एक्स होता है, एक्स के बाद एल होता है, एल के बाद सी होता है, सी के बाद डी होता है और डी के बाद एम होता है। ये टोटल कितने ही लेटर्स होते हैं? ये कितने लेटर्स हैं? ये है आपके सेवन लेटर्स। कितने लेटर्स हैं? सेवन लेटर्स। देयरफोर द सेवन गिव द राइट आंसर। प्रीडिसर ऑफ द स्मॉलेस्ट एट डिजिट नंबर। पहले एट डिजिट नंबर लिखो फिर उसका प्रीडिसर लिखो। तो एट डिजिट नंबर लिखिए, एट डिजिट, एट डिजिट का स्मॉलेस्ट। और अगर मैं आपको बताऊं इसको करने का आसान तरीका, अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट डिजिट का प्रीडिसर, स्मॉलेस्ट डिजिट का प्रीडिसर क्या होता है? लार्जेस्ट होता है, लेकिन एक डिजिट कम होता है। लार्जेस्ट सेवन, लार्जेस्ट सेवन डिजिट का नंबर क्या होता है? उसका प्रीडिसर होता है। जितने भी स्मॉल डिजिट का आपसे प्रीडिसर पूछे, प्रीडिसर मतलब एक माइनस करना होता है, तो माइनस करके क्या आता है? एक डिजिट कम कर दोगे तो उसका लार्जेस्ट। देखो जरा लार्जेस्ट नंबर कौन सा सेवन डिजिट का? लार्जेस्ट नंबर कौन सा सेवन डिजिट का? 1 2 3 4 यही है ना। 7 बार 9 लिखा होगा, तो 7 times 9 लिखा होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ऐसे भी है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एट डिजिट का, एट डिजिट का क्या लिखेंगे आप लोग? स्मॉलेस्ट नंबर लिखा और इसमें से 1 माइनस कर दो। जब आप इसमें से 1 माइनस करोगे तो 9 9 9 9 9 9 और यही आपका आंसर। हिंदू आयरन सिस्टम एम बी सी आर रेस्पेक्टिवली। बच्चों ये पूछा गया ये एम बी और ये सी किसके लिए, किसके लिए इनकी वैल्यू क्या है हिंदू आयरन सिस्टम में? तो आप सबको पता है एम क्या होता है? एम होता है 1000, डी क्या होता है? डी होता है 500, सी क्या होता है? सी होता है 100, एल क्या होता है? एल होता है 50। देख लो इस क्रोनिकल ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन है आपको आंसर मिल रहा है। 1000 500 100 ये हो सकता है। आपको क्या बनाना है? इससे आपको बनाना है स्मॉलेस्ट, इससे आपको बनाना है स्मॉलेस्ट और इसी से बनाना है आपको लार्जेस्ट। इसी से क्या बनाना है आपको? लार्जेस्ट नंबर बनाना है और दोनों का करना है। कैसे बनाते? सबसे पहले छोटू, उसके बाद उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। लेकिन लार्जेस्ट में ऐसा नहीं करते, लार्जेस्ट में पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। और इन दोनों का क्या करते हैं? डिफरेंस। तो 9 7 3 1 का जब डिफरेंस करोगे 1 3 7 9 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 11 में से 9 गया 2, 4 12 में से 7 गया 5, 5074। अब आपको दे रखा है सम निकालना है 5074। यहाँ से जब आप सम निकालोगे सबसे पहले आप लिखो लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लिखो, स्मॉलेस्ट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लार्जेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट में कैसे नंबर लिखते हैं? स्मॉलेस्ट में हम नंबर कैसे लिखते हैं? सबसे पहले छोटा, तो क्या मैं जीरो को लिख दूं? तो नहीं सर, जीरो को नहीं लिखते, जीरो हमेशा सेकेंड प्लेस पे आता है। तो ये देखो जीरो से बड़ा कोई नंबर है 4 0, उसके बाद 5 एंड देन उसके बाद। आपको क्या करना है? इन दोनों का सम करना। क्या करना है? सम कर दो, सम 7 5 4 0 4 0 5 7। जब आप करेंगे ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये जब आप 5 हो जाएगा 11 5 9 7 बिल्कुल द राइट आंसर। ये जितना आंसर डी, डी बिल्कुल द राइट आंसर। कैनेडा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 5037 एंड 4।
इससे तो कोई आसान क्वेश्चन हो ही सकता। क्या पूछा स्मॉलेस्ट? आपको जितना करना है जीरो को लिखना है सेकंड प्लेस पे, उससे पहले क्या लिखेंगे? यानी उसका 4, 5 और 7 और आपका आंसर क्लास 30457 30457 यानी कि डी इज द राइट आंसर। राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल इन द इंडो अरेबिक न्यूमरल। अब बच्चों ध्यान दो, क्या है MMMMCCXIV। तो हम इसको तोड़ तोड़ के करेंगे। देखो MM का मतलब क्या होता है, M का मतलब 1000, 2M का मतलब कितना होगा 2000 प्लस C का मतलब क्या होता है 100, BC का मतलब क्या होगा 300, X का मतलब क्या होता है, X का मतलब होता है 10, I और B का मतलब क्या होता है 4। जब आप इन सबको ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा 2314। दैट्स इट सिंपल, 2314 इज द राइट आंसर सी। राइट द रोमन न्यूमरल इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम। फिर से क्वेश्चन आ गया डी ई टी एल एक्स एक्स बी आई। क्या बताया था, तोड़ कर लिखो। जैसे डी है, डी को क्या लिख सकते हो 500, सी को क्या लिख सकते हो 200, एल को क्या लिख सकते हो एल और एक्स। ये पता ना, एल और एक्स जब एक साथ आते हैं तो इनको एक साथ लिखना होता है। ये क्या है, एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 60 और एक और एक्स का मतलब 70 और ये बी आई आई इसका मतलब 7। सबको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 500 200 यानी 777 यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों डिसेंडिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा और फिर सबसे छोटा, है ना, सारी घटाते चलते हैं। तो मैंने करने का आसान तरीका क्या बताया था, आप इसकी ना ये देखो, सबसे पहले देखो 4 है, ये तो 4 मैंने यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद कहेगा 2, यहाँ कहेगा 0, इसका मतलब छोटा हो गया, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 2, ये 2 और 2 वाले दोनों एक जैसे हो गए। लेकिन वो करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप ऐसे ही देखो, आप ऑप्शन मैच करो, डिसेंडिंग ऑर्डर का तो ऑप्शन से करो। जैसे 429 है ना, 429 का क्या लिखा 405, ओके ठीक है, फिर यहाँ भी 405, लेकिन यहाँ 420 कैसे आ गया, ये तो डिग्री होना चाहिए ना, या तो 420 है, गलत हो गया। इस वाले को सेट करो 429 420 405 405 और 402, ये चल सकता है ना। एक और मैच कर लेते हैं 402 405, ऐसा हो ही नहीं सकता डिसेंडिंग में, पहले छोटा वो बाद में बड़ा हो जाए। इसको मैच करते हैं 429 409 402 402, राइट द 95 इन द रोमन न्यूमरल। बेटा रोमन न्यूमरल में क्या करना है आपको, 95 को लिखना है ना। अब 95 को कैसे लिखते हैं, 95 को आप कैसे लिखो बताइए, 95 का मतलब क्या होगा 100 माइनस 5, 95 का मतलब क्या होगा 100 माइनस 5, और 100 को क्या लिखते हैं सी, 100 को क्या लिखते हैं सी लिखते हैं। और आपको पता है जब हम रोमन नंबर माइनस करते हैं तो नंबर कहां आ जाता है, पहले यानी कि बी और सी, तो क्या ऐसा लिखते हैं, तो नहीं, ये लिखना क्या है बिल्कुल गलत, ये लिखना बिल्कुल गलत है, ये क्या लिखना बिल्कुल गलत है ना। हम क्या नहीं कर सकते, कभी भी बच्चों याद रखें रोमन नंबर में आई बी और एल ये हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, इसको करें कैसे, तो हमको पता है बच्चों अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि 90 में बच्चों क्या प्लस कर दूं, मैं 90 में प्लस कर दूं 5 तो भी याद आ सकता है, लेकिन उससे पहले 90 लिखना पड़ेगा। और 90 कैसे आएगा, 90 को मैं 100 माइनस 10 जरूर लिख सकता हूँ, 90 को 100 माइनस 10, तो 100 के लिए C हो जाएगा, माइनस वाले के लिए वैल्यू पहले आती है और 5 के लिए B, तो इसका आंसर होगा XCB। क्या हुआ XCB, समझ गए, ऐसे करते हैं इसका आंसर। Add the difference and the sum of the largest and the smallest 6 digit number value। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंस एंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये लिख दिया मैंने।
ये लिख दिया मैंने लार्जेस्ट और ये लिख दिया मैंने स्मॉलेस्ट। एक स्मॉलेस्ट क्या है 1000000, एक बार करना है इन दोनों का सम, सम कर दो। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो आ जाएगा 9999999 और 110। ठीक है, एक बार पूछा गया सम, लेकिन वही आपसे दूसरी तरफ लार्जेस्ट नंबर 9999999 और उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1000000, इसका पूछा है डिफरेंस। इसका क्या पूछा बच्चे? डिफरेंस पूछा। डिफरेंस में क्या करते हैं? डिफरेंस में सम में करते हैं प्लस और डिफरेंस में करते हैं माइनस। जब डिफरेंस करोगे तो कितना जाएगा 8999999। इतना करने के बाद भी उसने क्या बोला है, ऐसा करने के बाद जो रिजल्ट आता है उन दोनों को ऐड कर दो, उन दोनों को ऐड कर दो और देखो क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो उनको ऐड कर, अब जरा ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 9 और 9 18 9 और 9 18 19 19 19 19 19 और 1 7 0। ठीक है, 7 0 लगा दी, 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है 000, है ना। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को कर देंगे माइनस। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 000, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 5। ठीक है, अब जरा देखिए इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है, 5996000, 5996000 यानी कि ए विल बी द राइट आंसर। The difference between the greatest and the least number that can be written using the digit. आपको digits दी हुई है 6, 2, 7, 4 और 3। सबसे पहले से क्या बनाना है आपको, greatest। क्या बनाना है? greatest। greatest number जब बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा और क्या होगा 2। उसके बाद क्या बनाना है आपको, least। least number आपको पता है ना, least क्या होगा है, least। least मतलब बेटा छोटा, लीस्ट मतलब छोटू, है ना। तो छोटू नंबर हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले छोटू नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा और फिर उससे भी ज्यादा बड़ा। इन दोनों नंबर का क्या करना है, डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है 7, 6, 4, 3, उसके बाद है 2, 3, 4, 6, 7। जरा देखिए क्या आंसर आता है, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 6 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5। 52,909 लेकिन उसने क्या बोला कि नॉन जीरो लिखा, नॉन जीरो का मतलब जीरो काउंट नहीं है, नॉन जीरो का मतलब जीरो काउंट नहीं है। आप उसके अलावा कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करो मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 2 और इसका सक्सेसर करोगे तो क्या आ जाएगा 3, फिर सक्सेसर करोगे तो उसका कितना आ जाएगा 3। तो पूछ रहा है कोई भी होल नंबर और उसका सक्सेसर, उसका रिजल्ट हमेशा कैसा होगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करके देखो तो क्या आ जाएगा 6। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 4 का सक्सेसर क्या होगा, 5 हो जाएगा, है ना। इसकी मल्टीप्लाई करके देखो तो आंसर कितना आ जाएगा, 4, 5, 20। तो ऐसा जब आप देखोगे तो ये हमेशा कैसा आता है, इवन। कैसा आता है, इवन आएगा इसका, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी विल बी द राइट आंसर। राइट न्यूमरल, राइट रोमन न्यूमरल इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम। फिर क्या था, सी डी एक्स 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 आई एक्स। अच्छा आप लोग इसका मतलब भी समझ गए होंगे, 30 होता है, इसका मतलब भी समझ गए होगे क्या होता है, 9 होता है। बस इसका मतलब समझना सी डी का, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है 100 और डी का मतलब होता है 500। और जब एक छोटा लेटर बड़े लेटर से पहले लिखा हो दोनों को क्या करते हैं, दोनों को कर देते हैं माइनस। 500 में से 400 क्या बचेगा, 400 ये बचेगा,
कितना जाएगा 30 और ये कितना है 9, इन सबको कर देंगे प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 439, 439 यानी कि ए, ए विल बी द राइट आंसर। 90.065 इज डिवाइडेड बाय 15 देन द क्वेश्चन, ये तो बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 15 से आपको डिवाइड करने के लिए पूछा गया है, इसको 90.0675 अब डिवाइड कैसे करें, देखो 15 6 90 कैंसिल हो गया, अब हम ऊपर दिखा पाएंगे 0, लेकिन जैसे ही पता आपको डेसिमल के बाद वाला नंबर यूज करते डेसिमल आ जाता है, अब क्या इस 0 से 15 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं डिवाइड कर सकते, तो एक नंबर और राउंड डाउन करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हम दो नंबर राउंड डाउन करते हैं क्या लगाना पड़ता है 0, क्या ये अभी भी डिवाइड हो रहा है, नहीं ये अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक नंबर और लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक 0 और लिखनी है, अब डिवाइड कर सकते हैं 15 4 16 क्या बचेगा 75 और 15 5 75, तो अभी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 6.0445, 6.0045 यानी कि ए विल बी द राइट आंसर। कैन आई एम प्राइम नंबर इफ यू सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम मी आई बिकम डिविजिबल बाय 2, कहता मैं प्राइम नंबर हूं अगर मेरे अंदर से 2 को माइनस कर दो तो मैं क्या हो जाऊंगा 7 से डिविजिबल, क्या करो कुछ मत करो सॉल्व कर दो जो डायरेक्ट है, सभी नंबर के अंदर से 2 माइनस कर दो, सभी नंबर के अंदर से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 29 और इसके अंदर से 2 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 21, देखो हमने ऐड कर दिया ये तो 17 होगा ना, अब आप ये देखो इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है, ये भी नहीं है 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब यही राइट आंसर है यानी कि 23 इज द राइट आंसर। कहता है रोमन न्यूमेरेशन इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स, बच्चों क्या रहा था रोमन नंबर में अगर कोई लेटर रिपीट हो तो हम उसकी मल्टीप्लाई नहीं करते, तो क्या करते हैं एडिशन करते हैं, क्या करते हैं एडिशन करते हैं, तो यही बोला कि एडिशन करते हैं मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं, एडिशन करते हैं मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पूछो क्या रहा है कि बस सिंबल इज रिपीटेड इस वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड, क्या इस वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करते, ये ट्रू है कि फॉल्स, ये सर ये ट्रू है ना, हम उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करते, ये ट्रू है, हम क्या करते हैं उसको ऐड करते, रोमन नंबर इज इनकरेक्ट, आपको मैंने पहले ही बताया था एल बी और डी, एल बी और डी बच्चों हम इससे कोई भी रोमन नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते, ये अकेले आ सकते हैं लेकिन ये किसी नंबर से पहले नहीं आ सकते, किसी रोमन नंबर से पहले नहीं आ सकते, जैसे कि आपने देखा होगा एल जरूर लिखा होगा ऐसे में, एल जरूर देखा होगा ऐसे लिखे हुए है ना, और आप लोगों सर हमने ये भी तो देखा है ऐसे लिखा हुआ एल एक्स, बच्चों ये तो ठीक है लेकिन जब आप यहाँ देखो ना एल और सी, एल और सी, एल और सी, तो एल क्या है 50 और ये क्या है 100, ये क्या है 100, अपने से बड़े नंबर से पहले नहीं आ सकते, छोटे नंबर से पहले आ सकते, जैसे यहाँ पर कुछ तो ये 10 होता है ये 50 है, तो अपने से छोटे से पहले आ सकते हैं लेकिन बड़े से पहले कभी नहीं आ सकते, इसलिए यही वाला ऑप्शन क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा, यही आपका आंसर, ओके देखो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी ठीक है लेकिन यहाँ नहीं, ये गलत है। कहता है ऑन डिवाइडिंग 2272 एज वेल एज 875 बाय 3 डिजिट नंबर n, वी गेट द सेम रिमाइंडर द सम ऑफ द 3 डिजिट ऑफ n, कहता है एक नंबर है n जो कि 3 डिजिट का है, अगर उससे उसको मैं उससे डिवाइड करूं तो किसको मैं 2272 को 2272 को और डिवाइड करो किसको 8875 को, तो क्या बनना चाहिए रिमाइंडर सेम आना चाहिए, तो क्या चाहिए रिमाइंडर सेम आना चाहिए, अब जब रिमाइंडर सेम आएगा तो पूछा उसके बाद कि उस नंबर का सम ऑफ द डिजिट बताओ, कैसे करना है इसको देखो ध्यान दीजिए, क्या करेंगे आपको पता ही है दो नंबर है 2272 है ना, अगर मैं इसको डिवाइड किससे करूं n से, इसको डिवाइड किससे करूं n से, और एक नंबर है 875 इसको भी डिवाइड करूं n से, तो
रिमाइंडर जाना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए सेम। इस क्वेश्चन को करना कैसे है, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर को ही आपस में माइनस कर देंगे, हम इन दोनों नंबर को ही आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे इन दोनों नंबर को तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, देखिए 2 यानी 12 से 5 से 7, 4 से 7 या 6 में से 7 गया यानी कि 9 हो जाएगा, और यहां पे 3 आ जाएगा और यहां आ जाएगा 1, क्या जाएगा 1397, 1397। अब जो दोनों नंबर का डिफरेंस आएगा आप उसको डिवाइड कर दो, आप क्या करो उसको डिवाइड करो, और जब डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड होता है जरा देखिए, आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो 11 से डिवाइड होगा, 11 बन जाए 11, 11 की जब 22, 11 7 जाए 77, तो ये फैक्टर डिवाइड किससे होगा 127 से। आप देखोगे 1397 ये डिविजिबल किससे है, 11 से भी और 127 से भी। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको कितने डिजिट का नंबर चाहिए था, 3 डिजिट का नंबर, इसमें से देखो 3 डिजिट का नंबर कौन सा, ये वाला नंबर, यही वो क्या है n, यही क्या है बच्चों वो n है, और इसी का क्या पूछा आपसे, सम पूछा, तो इसी के डिजिट का सम कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 10, 10 विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, इसको बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना, दोनों नंबर का डिफरेंस कर देंगे, उसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी 3 डिजिट का नंबर आएगा वही वो रिक्वायर्ड नंबर होगा और उसी के सम ऑफ डिजिट्स आपको फाइंड करने होंगे। कहना था सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, बच्चों 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन आप सभी को पता है 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1 मिलियन किसके इक्वल होता है 1 लाख यानी 10 लाख, इसके इक्वल होता है 10 लाख के इक्वल होता है, और उसका क्या पूछा गया, इसका पूछा गया सक्सेसर, सक्सेसर में क्या करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 से 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों,